मुझे शहर से मैसेज आया था ग्रुप के ऊपर कल, आई जस्ट लाइक मैं पढ़ा एक और दिमाग से भी निकल गया। थैंक यू बजाने के लिए। हे गाइस वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में रेड हॉट का फीलिंग आ रहा है। रेड पता है किसका कलर होता है? डेंजर। अच्छा नहीं, मैं कलर ऑफ लव। ओ प्यार व्यार की बातें समझ नहीं आती आपने। मर्डर डायरेक्ट रेड जोन एग्जैक्टली। प्यार व्यार की बातें समझ ही नहीं आती मेरे को, कुछ भी नहीं समझता, ब्लैंक हो जाता मैं। ओके चलो मित्रों, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस आज हेमंत ने मुझे लाल कर दिया था। हेमंत बोल रहा है कपड़े नहीं तो मैं बैकग्राउंड रेड कर देता हूं। चलो समय आ चुका है, एवरीबडी लेट्स स्टार्ट, एवरीवन लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट, स्टार्ट करें। कम ऑन गाइस। दोस्तों आप सभी जानते हैं क्लास में है, आई नो। मित्रों ओ बच्चों, कहां पे हम लोग? ये सब कुछ चल रहा है अपने जीवन में आज? अरे ये सब कुछ चल रहा है हमारे साथ। हमने कल डिजिटल पेमेंट को भी देखा है, हमने ई कॉमर्स के डिफरेंस को भी कल देखा है। यू रिमेम्बर ऑल दैट? आज हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा जिसका नाम है ग्रीन कंप्यूटिंग। आज आपने रेड पहना वो ग्रीन बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ग्रीन पहना है। क्या ये ग्रे है क्या? कलर्स का प्रॉब्लम ही है मुझे, ग्रीन है ना बे। चलो ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन कंप्यूटिंग की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। ग्रीन कंप्यूटिंग यानी कि जो कंप्यूटर्स ग्रीन होते हैं। ओह थैंक यू, आई रियली फील वेरी नाइस व्हेन यू अप्रिशिएट माय टैलेंट। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, इट फील्स ग्रेट टू गेट सच काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। दोस्तों जो कंप्यूटर ग्रीन होता है उसको ग्रीन कंप्यूटिंग कहते हैं, ऐसा कहना गलत है। ग्रीन कंप्यूटिंग यानी ग्रीन यानी कि हम लोग इकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण की बात कर रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक बड़ा ही सामाजिक है, इसका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध बहुत डायरेक्टली नहीं है। आपको एक सोशल अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। आपने बचपन में कभी ऐसा कुछ किया? स्वच्छ भारत में कभी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया? स्कूल के बिहाफ में आप कभी कुछ झाड़ू लगवाए? स्कूल के आसपास के एरिया को साफ किए? सच बोलो कितने लोगों ने किया? किए थे? स्कूल वालों ने रास्ते साफ करवाए आपसे? ओ क्यूट बेबीज। और आपने क्यों किया था ये सब कुछ? लेक्चर बंक करने मिलता था इसलिए। दोस्तों स्कूल में जिस प्रकार से आपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम किया, स्वच्छ भारत के लिए काम किया, सीए इंटरमीडिएट में आज हमें टेक्नोलॉजी पढ़ते समय यह कॉन्सेप्ट दिया है कि हम भी अवेयरनेस लाए। आप नहीं जानते होगे व्हेन वी यूज दैट इज ऑन ना, दो लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म होगा।
व्हेन वी यूज कंप्यूटर्स लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क मदरबोर्ड इन सब का यूज करते हैं ना वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. एक कंप्यूटर बनने के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था 1.8 टन जो है आपके नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रक्शन होता है और तब जाके एक केवल लैपटॉप बन पाता है. न जाने हम लोग कितने बेपरवाह बेफिक्रे होकर इन लैपटॉप्स और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. कई लोगों तो इतनी मस्ती होती है वो लोग तो एक लैपटॉप होने में दो दो तीन दिन यूज करते हैं. आप यूज करते मतलब क्या भाई मेरा काम है ये. आप ध्यान दे इधर मेरी बात सुने. वो बोल रहे कि देर शुड बी अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये नहीं बोल रहा है कि कंप्यूटर का यूज करना बंद कर दे. इनका ये बोलना है कि अगर इस शिद्दत से अगर हम लोग लैपटॉप्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि इंडिया में और वर्ल्ड में लैपटॉप और डिवाइसेस बनने के लिए जो नेचुरल रिसोर्स लगते हैं वो जीरो हो जाएंगे और हमारे आने वाली जनरेशन को यानी कि आपके बच्चे और उनके आपके मतलब आपके पोतों को आपके बच्चे के बच्चों को लैपटॉप सिर्फ एक कहानी की नज़र में सुनाई देगा. क्योंकि ये डिवाइसेस को लगने वाले जो रिसोर्स है वो स्केर्स है और एक ना एक दिन को सबको ख़त्म होना है. बड़ा ही सामाजिक मुद्दा लेकर आज हम लोग इस क्लास में आए हैं दोस्तों. मुद्दा ये नहीं है कि हमने कंप्यूटर को किसका अलार्म बज रहा भाई अभी क्लास चलोगे अलार्म का टाइम है हाउ लाइक है दोस्तों. अगर ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स लगते हैं तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि हमने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए? जी नहीं. यूज करें पर आराम से यूज करें. देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस. देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज ऑफ कंप्यूटर. हमने ऐसा ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि कल से कंप्यूटर्स का यूज करना बंद कर दी. ये नहीं कहता. वो कहता करो और करो. जितना कंप्यूटर यूज है उतना ही करो. जबरदस्ती का एक्स्ट्रा नहीं यूज करने का. जैसे एग्जाम्पल आपने आप जानते हैं एनवायरमेंट के अंदर बिजली भी आती है. बिजली का एक्सेस यूसेज भी एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं. पेपर का एक्सेस यूसेज भी इस एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं. अरे बोलो हाँ है ना. तो इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करें बट देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ कंप्यूटर. अगर आपको लगता है तो यूज करो पर जबरदस्ती का वेस्टेज नक्को करो. जैसे एग्जाम्पल आप लोग जो लैपटॉप्स है वो आपने ऐसे लैपटॉप यूज करना चाहिए जो सीआरटी नहीं होना चाहिए. आपने कभी बड़ा बड़ा टीवी वाला देखा है वो ऐसा डेस्कटॉप जो आते थे बोलते वो मत यूज करो. यू शुड गो फॉर एलईडीज एंड एलसीडीज जो छोटा सा था ना पतला सा ये देखो यही वाला मतलब यहाँ पे रखा हुआ है. क्योंकि उसमें क्या होता है ना अगर मान लीजिए हम लोग बड़ा सीआरटी यूज करते हैं इट टेक्स लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. अगर ये छोटा पतला सा स्लिक यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ही कम यूज होते हैं. नंबर वन. नंबर टू बोलते हैं कि जो पेपर यूज होते हैं ना कंप्यूटर को मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं तो ग्रीन कंप्यूटर के अंदर किसका समावेश होगा? ग्रीन कंप्यूटर के अंदर आएगा क्या? मैं जो कह रहा हूं वो आएगा. ग्रीन कंप्यूटिंग में वो कहते हैं कि आपने पेपर का दोनों साइड से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर कोई प्रिंटर से प्रिंट आउट दे रहा है और एक साइड से कर रहा है दूसरा साइड फेंक दिया जा रहा है तो बोलते हैं आप ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए काम नहीं कर रहे हो. यू गोइंग अगेंस्ट इट. नंबर तीसरी बात वो बोलते हैं व्हेन यू बाय कंप्यूटर आपने ऐसे ही कंप्यूटर और डिवाइसेस को परचेस करना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे. आप लोगों ने कभी सुना होगा एसी में भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आता है. कभी सुना है ऐसे? यानी कि 3 स्टार यानी कि बहुत सस्ता होता है और 5 स्टार यानी कि बहुत महंगा होता है. पर 5 स्टार मतलब वो होता है जिससे आपकी जो बिजली है बिजली का कंजम्पशन बहुत ही कम होता है. यानी कि आपने हमेशा 5 स्टार एसीज को परचेस करना चाहिए ताकि आप बिजली का कंजम्पशन कम से कम करें. उसके बाद में इन्होंने कह रहा है कि अगर आपने बैटरीज लगाई है चार्जिंग को लगाए लैपटॉप तो आज के बाद में आपने आपको सुधारना चाहिए. क्योंकि लैपटॉप जो है ना 2-3 घंटों में चार्ज हो जाता है फिर भी आप रात भर उस लैपटॉप को चार्ज करके बिजली को बर्बाद करते हो. इसलिए आज की बात में अगर रात में अगर लैपटॉप को आपने चार्जिंग पर रखा है तो अलार्म लगाए 2 घंटे बाद का. उठे और उसके बत्ती को बंद करें और वापस से सो जाए. अलार्म लगा के उठे इज्जत से स्विच ऑफ करें वापस सो जाए. ये चैप्टर अलार्म बजते ही रहेगा.
दोस्तों चार बातें मैंने बताई, ऐसे अनेक बातें। नंबर पांच बोलते हैं, अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। और अच्छा, ये ग्रीन आईटी सच में क्या आपको पढ़ाना चाहिए? जी पढ़ाना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पढ़ाया जाता तो जीवन भर आपको कभी भी नहीं समझता कि सच में हम लोग इतना बेपरवाह होकर लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी हरकतें आपके आने वाले जनरेशन के लिए हानिकारक बन सकती है। एक समय ये भी आ सकता है आपके बच्चों के लिए लैपटॉप सिर्फ वीडियो में दिखाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों के साथ ऐसा गलत काम हो? हावली है क्या ऐसे ऐसे कि हाँ मेरे बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए? आपके जो बच्चे हैं, जो भी होंगे, 2, 4, 8, 10 जो भी होंगे, हाँ बच्चे ही नहीं होंगे। ये बोले सर मेरे तो बच्चे तो, भाई साहब आपका अलग मैटर है, सामान्य लोगों के होंगे, इनका अलग मानना है, मेरे बच्चे नहीं होंगे। इस विषय पर नहीं जाते, बहुत गहराइयां हैं, इस विषय पर अपन अलग से बात करेंगे, ठीक है? अभी के लिए ही मानते हैं कि सामान्य लोगों के बच्चे होंगे, और जिन जिन के बच्चे होंगे और सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने, आपको अपने आने वाले बच्चों की कसम। ओ माय बेबी। और ये जो लेक्चर है यूट्यूब पे आने वाला है, आपके बच्चों के साथ जरूर देखना। देख बेटा तेरे लिए मैंने इस लेक्चर को, आप हमेशा अपने दिल के साथ में संभाल के रखना। जब भी 2-4 साल में आपके बच्चे होंगे, अरे जब भी होंगे यार, अब मुझे क्या पता कब होंगे, जब होना है होंगे तो उनको जरूर बताना, देख बेटा तेरे लिए हमने कितना काम किया है, तेरे लिए रात को अलार्म लगा के कंप्यूटर बंद किया है, जब तू दुनिया में था भी नहीं तब से तेरे लिए काम चल रहा है। ओके, कितनी मेहनत की है। अच्छा आगे पॉइंट सुनते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कौन सा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है नहीं, क्योंकि इतने नेचुरल रिसोर्स इंडिया में कि हमारी जिंदगी तो कट जाएगी, पर क्या है ना, जिस तरह से जिस रफ्तार से हम लोग नेचुरल रिसोर्स का खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल है कि सबको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे डिवाइसेस। इसलिए वो बोलते हैं कि यूज करो, यूज करने से परेशानी नहीं, पर देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी उन्होंने बोला, जैसे एसपीसी के ओनर में है, या नारायण मूर्ति इन्फोसिस के ओनर है, या रतन टाटा है टीसीएस के ओनर, जितने भी कंप्यूटर शॉप यूज होते हैं, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, सब जनहित में सबको अवेयर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि हे एम्प्लॉयज, हमने कंप्यूटर का यूज करना चाहिए पर अच्छे से करना चाहिए। ऐसी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सीईओ ने, सीएफओ ने वहां पे पब्लिक को देना चाहिए, सीटीओ ने देना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने लाखों एम्प्लॉयज जो कंप्यूटर यूज करते हैं उनको सभी को समझे ये ग्रीन आईटी नाम की कोई चीज होती है। यहां तक कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग डिवाइसेस को स्क्रैप करते हैं, वो स्क्रैप करते समय सावधान रखना चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा नहीं चलता फेंक देते, वो बोलते हैं ऐसा नहीं, उसको बोलते हैं रीसाइकिलिंग होती है। रीसाइकिल सुना है? रीसाइकिल यानी कि आपका जो मोबाइल भी है, जो कंप्यूटर्स भी, उसको ऐसे फेंके नहीं, खराब होने पर वहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफर होता है, ये दे दे और नया खरीदे, बिकॉज ये जब जाता है ना तो कुछ ना कुछ काम में आकर उसको रीसाइकिलिंग होकर वापस भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने जब कंप्यूटर्स खरीदना है तो ऐसे ही ब्रांड के खरीदना है जिसमें बिजली का कंजम्पशन कम से कम हो, जो इको फ्रेंडली तरीके से बने हो। आप जब पेपर पे लिख रहे हो तो छोटे छोटे फॉन्ट में लिखना चाहिए ताकि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, पेपर को दोनों साइड से यूज़ करना चाहिए। आपने दोस्तों, आपको इतना बता रहा हूँ, जब ऑलरेडी कोई चीज़ चार्जिंग हो चुकी है उसको वापस से चार्ज नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक चीज़ें जो है हमारे सिलेबस में लिखी है, जिसमें ये कहा है कि ग्रीन कंप्यूटिंग करके हम लोग ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसको लंबे समय तक चलाएंगे और आने वाले जनरेशन को कंप्यूटर्स की कभी कमी नहीं होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर ये कॉन्सेप्ट कहा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, इट्स लाइक सोशल अवेयरनेस। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, फिर आपको ईआईएस में क्यों दिया? क्यों, कहीं ना कहीं ईआईएस के संबंध कंप्यूटर से है और ग्रीन आईटी के भी संबंध कंप्यूटर से है, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ाया जा रहा है। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? सो आओ बच्चों पढ़ेंगे ग्रीन आईटी। ओके चलो, आईओटी के डिवाइस खरीदने पर समझेगा कि क्या है।
हाँ तो पूछना पड़ेगा ना, खरीदो ना क्या। ओके पेज नंबर बोलिए साहब, 4.71। चलो मैं पढ़ना चाहूंगा 4.7 में कुछ लाइंस आपके लिए यहां पे लिखी है, सभी लोग ध्यान लगाए। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी, शुड आई बिगिन? ध्यान है आपका? ओके। ग्रीन आईटी रेफर्स टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और आईटी, बराबर है? इन अदर वर्ड्स इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूजिंग कंप्यूटर्स, क्या लिखा है, यूजिंग कंप्यूटर्स एंड आईटी, अंडरलाइन द वर्ड, मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पूरी तरह से हाईलाइट होना चाहिए। देयर शुड बी व्हाट, कम ऑन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्स। मेरा तो ये भी विचार चल रहा है इस क्लास को भी मैं ग्रीन आईटी कर दूं। और मैंने उसका जब सोचा इस क्लास को ग्रीन आईटी कैसे करेंगे, तो हमें इस क्लास की सारी किताबों को बंद करना पड़ेगा और हमें सबको बिजली में नहीं अंधेरे में पढ़ना होगा। आपने टालिया किताबों के लिए या अंधेरों के लिए? और क्या करेंगे अंधेरे में? मेरा तो ये मानना है इस क्लास को पूरी तरह से बिजली को बंद करके, लैपटॉप को बंद करके, क्योंकि बिजली से प्रॉब्लम हो रहा है, बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमें बिजली को कंजर्व करना है। कौन सा समझता है? हमने सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो मैं तो सोच रहा पूरा सोलर सिस्टम लगा दो, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब बंद करवा दो। और आपको पता है मेरा विचार है कि ये सारे जो आपको किताबें दी हैं उसको बंद करवा के मैं आपको पीडीएफ दे दूं या मोबाइल ऐप पे दे दूं, किताबों का लफड़ा नहीं। ए गोवा क्या रे आपको, आर यू देयर इन द क्लास? हाँ गुड। ये किताब बताओ, इसके वजह से आप जानते नहीं कितने सारे पेपर्स खराब हो रहे हैं। आज के बाद में ये सब बंद कर देते हैं, आपके पास जितने किताबें दी आप जमा करवा दीजिएगा, मैं आपके आपके मोबाइल में एक पीडीएफ भेजता हूं, आप पढ़े। नहीं नहीं मैंने, आप रहने दो बेटा, रहने दो। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था, आपकी ऐसी इच्छा नहीं है आपके बच्चों के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपके बच्चे के लिए सोच रहा था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। दोस्तों अभी समझने की बात है कि इस क्लास को ग्रीन आईटी करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन आईटी के तो बिजली बंद, किताबें, तो इसका मतलब ये होगा कि वेन एवर यू आर यूजिंग आईटी, आपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कौन सा वर्ड है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली और एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबल यूसेज, इन दो शब्दों को आप हमेशा याद रखना। ओके ओके बच्चों, कंप्यूटर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ, क्या लिखा है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके आप लोग जो है आईटी का इस्तेमाल करते हो, यू नीड लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक एन आईटी सिस्टम। ओके, फ्रॉम द रॉ मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर देम, द पावर यूज्ड टू रन देम, यानी कि उसको चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस लगते हैं। ओके, उसको बनाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए, सारी चीजें लिखी है, सच एज वर्ड उसको लिखा है, उसके एसोसिएट काम करने लिए, यानी कि उसके प्रिंटिंग के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए, उसके हार्ड डिस्क बनाने के लिए, उसका इंटरनेट बनाने के लिए, उसका लैंड वैन बनाने के लिए, सभी को बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज लगता है। तो क्या करना, बंद कर दे? नहीं बंद करें कि नहीं करें? बंद नहीं करना, ये चैप्टर ये नहीं बोला बंद कर दो, बंद मत करो, यूज करो पर लिमिट में, रिस्पॉन्सिबल वे से। ओके आ जाओ, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंपनी टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस लिखा है, द यूज ऑफ हैजार्डस मटेरियल, मैक्सिमाइज क्या लिखा है, एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लाइफ टाइम एंड प्रमोट रिसाइकलेबिलिटी। ये क्या बोल रहा है, जितना भी यूज हमारा जो हैजार्डस मटेरियल करो उसका कम होना चाहिए, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। और क्या लिखा है, रिसाइकल मतलब यानी कि जो चीजें खराब हो रही है उसको हमने वापस से यूज करना चाहिए, ये सब लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आपके सामने ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहले लिखा है आपने प्लान बनाना चाहिए,
किसकी बात बात कर रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, किसने प्लान बनाना चाहिए, एज एन एंड यूजर और ऑर्गेनाइजेशन? देखो इंडिविजुअल लेवल की तो बात नहीं कर रहा है, वो बड़ा जिसके ऑर्गेनाइजेशन में दो दो तीन तीन लाख लोग होते हैं, 2 लाख 3। अरे और पता है क्या, ये जितने भी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको इतना पैसे का वो होता है ना, मतलब 3 साल हो गए तो लैपटॉप वो चालू भी है, बस स्टॉप यूजिंग लैपटॉप, ऐसा उनका पॉलिसी होता है। ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लैपटॉप अच्छे कंडीशन में है, 3 साल हो गए, वो अजम्पशन कर लेते वैसे भी खराब हो गया, ये तो चलेगा ही नहीं, इसकी स्पीड ही कम हो गई, इंसानों का एफिशिएंसी कम हो रहा है, वो क्या बोलेंगे, इसको फेंक दो। तो बोलते हैं जब प्लान बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ऐसा प्लान बनाओ कि आपने सब लोग को अवेयरनेस करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, लैपटॉप की और डेस्कटॉप की बाई करते समय ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, यूज करते समय भी ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करना चाहिए, पेपर पे अपने एम्प्लॉयज को लिख कर देना चाहिए कि कंप्यूटर को यूज करना खतरों से खाली नहीं है। ऐसा आपको जनहित में आपके एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको बोलना पड़ेगा बाई करते समय भी आपने ऐसे ही लैपटॉप बाई करना है जो कंप्यूटर जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, आपने कंप्यूटर को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कंप्यूटर को हमेशा रिसाइकल ही करना है, फेंकना नहीं है, पेपर का हमेशा अच्छे से, ये सब कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के एज एन एंड यूजर तो आपने करना है, पर ये पॉइंट स्पेशली जो आया है एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिसके में बहुत सारे लैपटॉप होते हैं, 10 लाख एम्प्लॉयज 10 लाख लैपटॉप होंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का तो लैपटॉप होंगे ही, तो उन्होंने लार्ज स्केल पर ये प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे ओके, चलो मैं पढ़ता हूं वो क्या बोल रहा है, क्या बोला है उसने, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। हाँ, इन्वॉल्व क्या लिख रहा है, स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, जितने भी एम्प्लॉयज उनको बिठाओ मीटिंग में, उनको बताओ कि ऐसा हो रहा है, स्टेक होल्डर्स नहीं एम्प्लॉयज, your debtors, your creditors, your managers, you all should sit together and talk about business, no, talk about green IT. अरे बहुत ही neglected topic है, कौन बात करेगा, आपको लगता है लोग बात करेंगे? किसको पढ़ी, आने वाले बच्चों का प्रॉब्लम है ना, बच्चे नहीं उठेंगे, बच्चों का हिसाब है ना, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा, इसमें तेरा काटा। तो ये कॉन्सेप्ट जो लोग पढ़ रहे हैं ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कुछ लोगों ने इस क्लास में बातें समझ कर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने 3 साल से बिजली यूज नहीं की और किताबें सब PDF से यूज किए, उन्होंने अंधेरे में रहना पसंद किया, मोबाइल 3-4 साल से आप अंधेरे में रहते हो, PDF का इस्तेमाल करते हो, पेपर का कम, फिर भी अगर आपने बाहर जाकर देखा ना तो आपको समझेगा नहीं कि एनवायरमेंट में कोई बदलाव हुआ है, यू कांट सी द चेंज। ये जो ग्रीन IT है ना, उसकी इम्पैक्ट जो इमीडिएट दिखते नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो तो उसका फ्रूट, उसका फल जो है आपको तुरंत दिखता है। ये ग्रीन IT ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर 25 साल में अगर मेहनत कर लोगे ना, आपको ऐसा बहुत बाहर दिखेगा ना, वही सूरज दिखेगा, वही चांद दिखेगा, वही हवा दिखेगी, आपको लगेगा नहीं मेरे करने से कुछ फायदा हुआ अभी क्या नहीं, द बेनिफिट्स कांट बी मेजर्ड। अब समझो क्या, अभी पढ़ाई करो तो मार्क्स में दिखता है, तो आपको समझता है कॉस्ट बेनिफिट दिखता है, यहाँ पे तो कुछ लोगों को मोटिवेशन आता ही नहीं, अगर मैं 25 साल अकेला अंधेरे में भी रहा तो कुछ एनवायरमेंट पे इफेक्ट दिखाएगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, 700 करोड़ की आबादी है, सबने मिला के प्रयास किया तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बचेंगे, ग्रीन IT के लिए आगे जाएंगे, ये आपके अकेले के करने से, इसलिए हर एक को लगता जान दे अपना अकेले करके क्या उखाड़ लेंगे, इसलिए कोई भी कुछ नहीं करता, ये इसलिए ये नाम मात्र थ्योरी बन के रह गए, इसको नेशनल लेवल पर लाना पड़ेगा, मोदी जी से घोषणा करवाना पड़ेगी, वर्ल्ड के जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने साथ मिलकर जब कहा तब जाके कुछ होगा, इसको कंपल्शन लाना पड़ेगा, इसके ऊपर लॉ बनाना पड़ेंगे, लैपटॉप को फेंक दिया तो अरेस्ट कर लो नहीं मतलब आपको अरेस्ट को कैसा है, ये तो अभी कैसा नहीं, सिर्फ अभी बातें हो रही है, लोगों को फीलिंग्स की बात हो रही है बस, फिर भी लोग सुधरेंगे नहीं, और क्यों सुधरेंगे नहीं, उनका लॉजिक भी है, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो अभी कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा, तो ये प्रयास तो हर किसी ने अपने लेवल पर करना चाहिए, तब जाके आगे जाएंगे। ओके आ जाओ, तो आपने सभी स्टेक होल्डर को लाना चाहिए, अंडरलाइन द वर्ड एनकरेज, क्या लिखा है, IT कम्युनिटी फॉर यूजिंग द बेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड बेस्ट, क्या लिखा है, आपने IT को यूज करने के अच्छे तरीके हो, और अंडरलाइन द वर्ड एनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि IT को कैसे बचाना चाहिए, IT का इस्तेमाल कैसे अच्छे से करना चाहिए, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, किससे किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के लोग हैं उन्होंने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रयास करना है कि IT को कैसे बचाना है। आगे इंक्लूड पावर यूसेज, यानी कि बिजली का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, है ना,
पेपर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन से डिवाइस को रेकमेंडेड है, रिसाइकलिंग कैसे करना चाहिए, इन सब विषय पर अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको अवेयरनेस करना चाहिए. हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? ओके. यूज क्लाउड कंप्यूटिंग. बताओ क्यों? क्लाउड कंप्यूटिंग में 100 जगह पर डेटा स्टोर नहीं होता, एक ही जगह होता है, वह दुनिया में सब जगह से एक्सेसिबल हो जाता है. इसलिए क्लाउड का यहाँ पे बोलते हैं, वी डू नॉट रिकमेंड टू कीप डेटा इन व्हाट हार्ड डिस्क, वी ऑलवेज रिकमेंड टू यूज डेटा इन व्हाट क्लाउड. बिकॉज क्लाउड होता क्या होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड ओनली एट व्हाट, तो 100-200 हजारों कंप्यूटर्स यूज करने के बदले एक का इस्तेमाल, तो देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ओके. डिस्पोज ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है रे? आपको पता है कि स्टेट वगैरह, आपने कभी कचरा देख सर डिस्पोज किया कभी? गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा कभी सुना है? बताओ क्यों ऐसे? आप सूखा और गीला मिक्स कर दोगे ना तो रिसाइकलिंग नहीं होता बराबर से. तो वो बोलते हैं अगर आपका कभी गीला कचरा तो वो अलग रखे, सूखा कचरा तो अलग रखे. तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के नॉर्म्स होते हैं, कचरा डिस्पोज करे पर वो जैसा बोल रहे वैसा करे ताकि उनको रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम ना आए, ऐसा लिखा. नेक्स्ट वो बोल रहा है कि आपकी डिस्कार्ड यूज और अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन अ कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबल मैनर. अगर आपको डिस्कार्ड भी करना है ना, आपको पता है जब आप नया मोबाइल खरीदते हो वो पूछते हैं आपके इसमें मुराना है, तो उनके इसमें एक जगह होती है वहाँ पर डिस्पोज करने बोलता है. कभी आप मोबाइल शॉप पर जाने को पूछते हैं भैया पुराना वाला कहाँ पर डालना, तो आप किसी एक बॉक्स लिख के बोलेंगे डाल दो. सारे दुकान वालों को कंपलसरी, जो लोग मोबाइल बेचते हैं उन्होंने वो जो खराब मोबाइल है उसकी एक जगह रहती है, उसको ऊपर डाल के उसके सारे सबमिट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोशल अवेयरनेस के लिए कि जो खराब डिवाइसेस है उससे भी हम लोग कुछ और बना सके. ओके. उसने उन्होंने कहा है कि यहाँ पे रिसाइकल करो कंप्यूटर्स को, परचेस यहाँ पे भी लिखा है, रिसाइकल तो समझ गया ना, परचेस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नोटबुक मॉनिटर बेस्ड ऑन व्हाट, क्या लिखा है, यानी कि आप परचेस करते समय ऐसे परचेस करो जिसको कम से कम बिजली लगती है चलने के लिए, जिसको बोलते हैं इको फ्रेंडली कंप्यूटर्स बाय करें, या फिर आपने ऐसे डिवाइस बाय करना चाहिए जिसको बनाते समय कम से कम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया गया हो. राइट? इज दैट ओके? अभी देखो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है. अरे कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट? अरे वही लिखा है, खत्म हो गया है. वो बोल रहा है परचेस ऐसा करो. कैसा परचेस करो? अरे जब भी आप परचेस करोगे ना, एक्चुअली मैं रॉन्ग गया, लोग परचेस क्यों नहीं करते, वो क्या है, इको फ्रेंडली के नाम पे बहुत पैसा लगता है. 3-star AC और 5-star AC में 5,000 का फर्क है, तो लोग बोले जान दे कौन डालेगा. अगर आप इको फ्रेंडली, इको वर्ड आ गया ना तो समझ जाना इट बिकम्स वेरी कॉस्टली. तो क्या है, वो बोलता है कि इनका बोलना है कि आपके पैसे का तो चलेंगे पर आप वो परचेस करो जो इको फ्रेंडली. तो आप ऐसा, लोग सुनते तो सही पर करते वही है. जब आप बाई करने जाओगे 10,000 का फर्क आपको दिखेगा तो आप बोलेंगे यार कोई बात नहीं, दे दे नॉर्मल दे दे, इको फ्रेंडली का तेल लाने हमारे बच्चे देख लेंगे बाद में जो करना है, अभी तो मैं मेरा देख लूं. ये लिखा है. तो बोलते हैं कि परचेस ऐसा करो, ये कह रहे कि परचेस ऐसा करो जो इको फ्रेंडली होगा. प्रोवाइड अ क्लियर कंसिस्टेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द डिजाइन. किसको बोल रहे डिजाइन? एग्जाम्पल डेल, एग्जाम्पल HP. इन्होंने ही बनाते समय ऐसे कंप्यूटर्स बनाना चाहिए जिसमें कम से कम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो. रिकॉग्नाइज मैन्युफैक्चरर्स एफर्ट्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग एनवायरमेंटली सेंसिटिव मटेरियल्स, डिजाइनिंग फॉर लॉन्जेविटी एंड रिड्यूसिंग पैक. क्या बोल रहे हैं? आपने मैन्युफैक्चरर के एफर्ट्स को पहचानना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत से एनवायरनमेंट को बचाने के दृष्टिकोण से लैपटॉप्स को बनाया है, और उसके एफर्ट्स को पहचानते हुए आपने उसको थोड़ी कीमत ज़्यादा अदा करना चाहिए ताकि उसको भी एनकरेजमेंट मिले कि वो ऐसे डिवाइसेस बना सके. ओके. यूज सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. आपने वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था ना, 100 कंप्यूटर्स के वो एक इमेज था, देखो 4 हार्ड डिस्क थे तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती थी, फिर बोलता था पूल करो शेयर करो, बोलते और एक नया कंप्यूटर आएगा तो नया हार्ड डिस्क मत लेना, इन्हीं को ही आप यूज कर लेना, याद है आपको? तो बोलता वो यूज करो ताकि आपको नए हार्ड डिस्क में वापस नेचुरल रिसोर्सेस कंजम्पशन नहीं होंगे. ओके. नेक्स्ट बोलते पेपर का इस्तेमाल कम करे. अरे बहुत सिंपल है, आप बहुत लोड लेके पढ़ रहे हो उसको, ये कॉन्सेप्ट नहीं, अवेयरनेस है ये. सर पूछते एग्जामिनेशन को भाई 2 बार पूछा हुए और ICAI को कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर पूछो 2 बार पूछा उसके ग्रीन एनर्जी के बारे में बताओ, मतलब दे वॉन्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस.
अच्छा सोचो, अगर मान लो लड़के ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं होता तो बताओ कहाँ होता, कहीं भी नहीं होता, और जीवन भर आप इस कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाते, आपको पता भी नहीं आप क्या गलत कर रहे हो। एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आप सुधरोगे, नहीं मुझे पता है, पर जब गलत करोगे कम से मन में थोड़ी कसक सी होगी, यार मैं सच में बड़ा वाहियात आदमी हूँ। नहीं आजकल लोग कचरा फेंकते ना तो फेंकता होगा भी, पर दो मिनट उसको डर लगता है, यार बड़ा वाहियात आदमी हूँ, सब लोग इतना अच्छे से रहते मैं कैसा फेंक रहा हूँ। नहीं कुछ लोग गंदा है तो गंदे ही रहेंगे, पर उनको गंदा रहने का तो फील होता है मैं सच में गंदा हो रहा हूँ। कम से कम स्वच्छ भारत के लोगों में वो अवेयरनेस तो आ गई, नहीं यार बहुत लोग सुधरे हैं, जो नहीं सुधरे उनके मन में कम से कम दर्द तो है, ये वैसा है वो तो तुम मत सुधरो, पर कम से कम तुम्हें पता तो ना मैंने गलत काम मैं कर रहा हूं। सच में मैं लैपटॉप को आज के दिन जब लैपटॉप चार्जिंग करोगे मोबाइल चार्ज, आपको मेरी याद आएगी क्या? नहीं याद आएगी आपको बेटा, रात में जब आपको लैपटॉप चार्ज करना होगा आप जरूर याद करोगे सर ने ग्रीन आईटी पढ़ाए थे, एक काम करते बंद कर लेते, या फिर मान लो गलती से आप रात में उठ ही गए होंगे तो आप बोलेंगे चलो जान दो स्विच ऑफ कर लेते, इतना तो कम से कम एक काम कर रहा है, वरना हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ गलत हो सकता है ना, इट वॉज नॉट नोन टू यू बट नाउ इट्स एक्चुअली यू नो अबाउट इट। तो लिख रहे रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, रिड्यूस पेपर का इस्तेमाल कम करें, दो साइड से लिखे, छोटे फॉन्ट में लिखे, कई बार होता है ना बहुत ही ज्यादा स्पेस यूज कर रहे हो, लिखा देखो रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, रिड्यूस क्या लिखा है वो क्या बोल रहा है, आजकल पता है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हो आपको एम टिकट्स आए हुए हैं, इनफैक्ट कल भी हमने आपको क्यूआर कोड दिया क्लास के, ये वही वजह है कि पूरी दुनिया रिड्यूस पेपर पे जा रही है, पेपर का इस्तेमाल करना, आपको यहां तक कि आज बिजली का बिल भी ईमेल पे आता है, आपको पता है इवन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग पेपर सेविंग, आपने वर्ड सुना हो ग्लोबल वार्मिंग, पेपर का ज्यादा कंजम्पशन करेंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पता है क्या होता है, जैसे धूप बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन का लेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो बहुत कम होगा ना तो इतनी हीट होगी ना तो सब कुछ प्रॉब्लम होगा, और एक समय पे धरती रहने लायक नहीं रहेगी, तो इसलिए बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द ऑनलाइन मार्केटिंग समझे ना, जो भी आप पेपर मार्केटिंग मत करिएगा, कौन सा मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन करेंगे, व्हाइल प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मेक श्योर दैट द यू आर अंडरलाइन द वर्ड, बोथ साइड ऑफ द पेपर यूज करेंगे, पेपर को सही जगह पे रिसाइकल करें, छोटे छोटे फॉन्ट यूज करें, स्मॉलर फॉन्ट्स, मार्जिन भी छोटी रखें, सेलेक्टिवली प्रिंट रिक्वायर्ड पेजेस, जितने पेजेस रिक्वायर्ड है उसी को ही सेलेक्ट करें। क्या ये पढ़ते समय आपको दर्द हो रहा है? एक पॉइंट है कॉन्जर्व एनर्जी, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या होगा? अरे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैं बंद कर रहा हूं, मेरा हो गया अभी पढ़ा के, इतना पॉइंट बता दे मुझे क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट एनर्जी का मतलब क्या है? बोलते हैं एनर्जी को बचाए, सोलार का इस्तेमाल करें, आजकल सोलार का कॉन्सेप्ट बड़ा ही फेमस हो रहा है, आप सभी जानते हो लोग सोलार लगा के बहुत सारी बिजली को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पता है कुछ घरों में क्या होता है, इतनी बिजली प्रोडक्शन हो जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेचते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर पे यूनिट जलता होगा 1000 यूनिट जलता होगा और आपने बिजली बनाई होगी 2000, आपको पता है 1000 का क्रेडिट मिलता है आपको, या फिर आपने 2000 बिजली जलाई और आपके सोलर में 1000 यूनिट हुआ तो आपको सिर्फ 1000 यूनिट का ही पैसा देना पड़ता है। तो आजकल बहुत लोग यूज करते हैं सोलर, तो मतलब एक बार वन टाइम कॉस्ट है, लगा दो उसको बस, वही तो लिखा है कॉन्जर्व एनर्जी, एनर्जी को बचाओ बिजली का। सर कंप्यूटर और बिजली का कोई संबंध है? आप लोग समझे, ग्रीन कंप्यूटिंग इज नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड ऑल दी एंसिलरी थिंग्स, यानी कि कंप्यूटर को पेपर लग रहा ना पेपर भी बचाओ, कंप्यूटर को क्या लग रहा है बिजली तो बिजली भी बचाओ, कंप्यूटर को भी बचाओ, पर ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर को ही बचाओ, बिकॉज कंप्यूटर होता तो बिजली भी लगती पेपर भी, ये इन सबकी वजह से पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो सबको बचाएंगे तब जाके ग्रीन आईटी होगा, इसलिए बोला है कॉन्जर्व एनर्जी। ओके, इसके पहले पेपर को बचाया था, अब बिजली को बचा रहे हैं, सभी को बचा बचा के बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अरे बच्चे ही नहीं मतलब क्या,
ये भी भाई साहब तुम्हारे लाइन में आ रहे ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड। कोई बात नहीं बेटा, चलता है। आपने LCD को अंडरलाइन करना है, बोलते क्या यूज करो, अरे क्या यूज करो, डेवलप अ थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी, वही वापस से छोटे कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल PC का इस्तेमाल ना करें। आपको तो क्या हो रहा है, स्मॉलर, चीपर, थिनर, सिंपलर, छोटा छोटा, बड़ा कंप्यूटर करेंगे तो उसको बहुत सारा आपका वो लगता है, क्या बोलते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, नोटबुक कंप्यूटर, आपने नोटबुक सुना है, पता है ये लैपटॉप है, इससे स्मॉलर जन नोटबुक आते हैं। नोटबुक सर उसका वेट तो आप समझ लीजिए 500-600 ग्राम होगा, ये तो समझो 1.5 किलो का होगा, वो तो और भी छोटा आता है, तो उसके डिवाइस बहुत ही कंप्रेस कंसाइज होते हैं, उससे और भी एलिमेंट्स आपके नेचुरल कम लगते हैं। वही लिख रहा है नोटबुक, यूज द पावर मैनेजमेंट फीचर्स टू टर्न ऑन द हार्ड ड्राइव एंड डिस्प्लेस आफ्टर सेवरल मिनट्स। समझा क्या लिखा है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका लैपटॉप जो है इनएक्टिव, आपको याद है क्या, बहुत बार ये अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाती है, वो वही होता है, ऐसा ऑन करो, क्योंकि बहुत बार कहीं कहीं हम लोग लैपटॉप तो ऑन रखते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो बोलते हैं ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए, बिजली का सेविंग हो जाएगा। होता है कैसे, वही तो लिख रहा है, इनएक्टिव हो तो बंद हो जाना चाहिए। पावर डाउन द CPU, वही अगर आपका कंप्यूटर बंद है, आपको तो ये आजकल गाड़ियों में फीचर है, अगर आपने गाड़ी बहुत देर तक एक जगह पे रुकाई, वो उसका इंजन डाउन हो जाता, तो जैसे अब जैसे सिग्नल पे रहता हूँ मैं और मैंने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, तो वो मशीन पूरा डाउन है, कूल डाउन हो जाता है, फिर जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया तो गाड़ी ऑन हो जाती है, मैं ऑन नहीं करता ऑन हो जाती है, वैसे लैपटॉप का होना चाहिए। होता है, आप बहुत देर तक लैपटॉप यूज़ मत करो, 1-2 मिनट वो अपने आप बंद हो, तो वो बोलता है वैसे पावर डाउन CPU, यानी कि CPU बंद हो जाना चाहिए। ट्राई टू डू कंप्यूटर रिलेटेड टास्क ड्यूरिंग द कंटिग्यूअस इंटेंसिव ब्लॉक्स ऑफ टाइम एंड लिविंग हार्डवेयर ऑफ। वो क्या बोल रहा है, आपको काम करना है ना, पीसेस में काम मत करो, अभी 2 घंटा 1 घंटा, ऐसा नहीं, एक साथ काम करके खत्म करो, बाद में अपना अपना काम करो। लोग क्या करते, कंप्यूटर पे काम करते हैं फिर कुछ और काम करते हैं, वो बोलता है जो भी करना ना इंटेंसिवली इसको खत्म करो 2-4 घंटों पे, फिर कंप्यूटर को बदल। अभी ऐसा कौन करेगा, मतलब ऐसा लगेगा कंप्यूटर के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अरे मेरे को जैसे जैसा वक्त मिलता मैं कंप्यूटर भी देखता हूँ, मेरे दूसरे भी काम होते हैं, तो सब दोनों इंसान साथ में काम करें ना, वैसे लिख रहा है। वेर एवर पॉसिबल द डिवाइसेज दैट कैन परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन शुड बी, ये वही लिख रहा है, वो बोल रहा है कंप्यूटर को बहुत देर तक आप चालू और एंगेज मत रखो, अपना अपना काम करो, जल्दी से उसको बस करो, और बिजली को लिखा है पावर अप पावर डाउन एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल्स सच एज व्हाट लेजर प्रिंटर अकॉर्डिंग टू द नीड। वो बोल रहे हैं आपके प्रिंटर भी वैसे होना चाहिए, जब काम चालू है तभी ऑन होना चाहिए, वरना अदर टाइम पे बंद होना चाहिए। एम्प्लॉय ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, यानी कि सोलर लगाओ बोल रहे हैं। एडॉप्ट मोर वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर्स इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है घूमने मत जाओ किसी को, आपको मीटिंग लेना जूम पे ले लो, पेट्रोल बचाओ, लिखा नहीं क्या है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऑफर करो, ट्रैवलिंग मत करो, किसी को मिलने मत जाओ, जूम पे ही काम करो। समझे हैं, ओके ओवर। इसका मेमोरी टेक्निक है PPP, पी से प्लान को अंडरलाइन करें, पी फॉर प्लान, पी से पावर, पी से पेपर, ई से एनर्जी, आर से रिसाइकल, ओके PPER, पा, PPER, पी से पावर, पी से पेपर, पी से प्लान, ई से एनर्जी, आर से रिसाइकल, PPER, पा। ओके गाइस, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं ग्रीन IT के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रीन IT एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आप ग्रीन IT में कैसे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन बाय ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम IT डिस्ट्रक्शन, एंड द आंसर इज पा, पी से पावर, पी से पेपर, पी से प्लान, ई से एनर्जी, एनर्जी यानी बिजली को बचाओ, एंड आर से रिसाइकलिंग, उसको वापस से इस्तेमाल करेंगे।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो ये प्रॉब्लम ये कैसा स्टार्टर जैसा कॉन्सेप्ट है. आए आपने बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें. लाइट थे, आपको ब्रेक लेना तो ब्रेक ले सकते हैं. आंखों में तेरे अदा नहीं नशा दिख रहा है मुझे आपकी. ऐसा खोलो आंखें, ऐसा करो. कुछ लोगों की आंखें जब क्लास करते ना वो बड़ी होती है, धीरे 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 वो आंखें छोटी होती है. देखो इसकी आंखें कैसे छोटी हो रही. अच्छा इसकी आंखें छोटी है. चलो मुझे कुछ हो रहा है. आई थिंक यू नीड अ ब्रेक गाइज. आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है. चलो दोस्तों क्या बोलेंगे? लाइव स्ट्रीमिंग पे ऑन है सब कुछ? चलो इनसे बात कर लेते. लाइव स्ट्रीमिंग वेलकम बैक. आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है. लाइव स्ट्रीमिंग वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग. चलो हाँ कल क्लास को छुट्टी है ऑब्वियसली. एक बार मुझे चेक करने दो जीडी वालों. मैं आज आपको शाम तक बताऊंगा बुक्स का क्या हुआ है. ओके ओके गाइस. ओ बच्चो क्या चाहिए आपको? यार पता नहीं मैं जब लगा तो सब बंद हो जाता है. मेरे लेक्चर ब्लॉक हो जाते हैं आपकी वजह से. क्या लगाओ? क्या करो क्या करो? क्या करने का? क्या होता है उससे? अच्छा नहीं तो लगाए तो ब्लॉक होता है लेक्चर. पक्का ना? कौन सा? ऑक्स मिल गया आपके मनोरंजन के लिए. यहां से हम लोग बहुत आगे जाना है. ये आप देखेंगे दो मिनट का संगीत आपके लिए बजाएंगे, उसके बाद में हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे. इश्क़ की चाशनी
सकता नहीं, कोई दूसरी शर्त मैं रखता नहीं, हिम्मत क्या तेरे तो लगा उनको बंद करवा देना, उनको वीडियो नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं, तो आवाज ओके बस क्या करें और लगाए, अरे वो ब्लॉक होता है, अरे टी सीरीज वगैरह गाने लाना वो ब्लॉक कर देते यार मेरे लेक्चर्स को, ये टी सीरीज टेप्स उनका पता नहीं, उनका बहुत डीआरएम गंदा है, उनके लेक्चर को उनके डेटा को छुआ भी तो डायरेक्ट कॉपीराइट मारते हैं। ये मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ जिनका कोई कॉपीराइट का सिस्टम नहीं होगा। अभी ये नूपुर नाम की लड़की है, इसके 5 लाख सब्सक्राइबर, इसने कुछ इतना डीआरएम पे खर्चा नहीं किया होगा, तो ये उसके इसके डेटा को यूज़ कर रहा, वो खुश हो रही होगी मेरा डेटा यूज़ हो रहा है। अगर आपने ये टी सीरीज यूज़ किया ना, उसको लगता अच्छा मेरा गाना है, उसका ब्लॉक कर साले को, पता है आपको ब्लॉक कैसे होता लेक्चर्स? अगर अपन टी सीरीज का गाना यूज़ किया ना तो उनके सिस्टम पे होता है, उनको सब समझता है मेरा गाना कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उनकी लेबलिंग दिखती है, उनके सिस्टम पे सर्वेलेंस होता है, तो पूरे अक्रॉस यूट्यूब कहाँ पे उनका कंटेंट यूज हुआ तो उनके पकड़ में आते हैं, वो तुरंत ब्लॉक मारते हैं, कॉपीराइट क्रिएट करते हैं, देन यू आर ब्लॉक्ड। फिर वो क्या करना पड़ता है पता है? फिर वो जो गाना है या कोई भी सिस्टम, अपने उस दिन वो चलाया था शार्क टैंक, तो सोनी का भी डीआरएम जोरों में, तो सोनी ने तुरंत देख लिया अच्छा मेरा कॉन्टेंट बजा रहा, रुक सारा मेरा कॉन्टेंट, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट अलाउड टू यूज इट, इट्स देयर प्रॉपर्टी राइट। हालांकि अपन ये नहीं बोल रहे हमारा ही है, हम तो उनको ही प्रमोट कर रहे हैं, पर उनको वो भी नहीं चलता है, तो फिर उनका क्या करना होता है कि फिर वो लेक्चर्स जो अपलोड हो जाते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उतना आपको वो ट्रिम करना पड़ता है, जो यूट्यूब गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ ट्रिमिंग द लेक्चर, देन यू ट्रिम दैट, वो 2-5 मिनट का हिस्सा हटाने का, फिर उसको री अपलोड करने का, इस पूरे चक्कर में 8-10 घंटे 15 घंटे यूट्यूब लेता है, क्योंकि यूट्यूब के सर्वर पे क्लाउड पे वो गाना गया है पहले जो ब्लॉक होके पड़ा है, फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं उसको एडिट करके वो 2-4 मिनट हटाते हैं, फिर बोलते हैं देखो भैया ऐसा कुछ नहीं और गलती के लिए माफ़ी हमें प्लीज अपना लीजिए, बोले ठीक है, फिर वो देखते हैं डीआरएम कुछ नहीं ना, इसको बोलते हैं डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, डीआरएम होता है, तो इसलिए मैं आजकल बहुत, अरे कितना मेरे को डरा के रखा है, मेरे को छुआ भी तो डायरेक्ट उधर से कॉपीराइट आता है, इट्स इट्स ऑन यूट्यूब राइट। हाँ जब हम यूट्यूब पे नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते चलो भाई मेरे सोनिया, Hey guys, welcome back. So moving on, next concept, everybody. So guys, आप सभी जानते हैं हम लोग e-commerce को कल से लगातार देख रहे हैं. We have seen the difference between the traditional commerce and e-commerce, if you remember.
दोस्तों हमने कल ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स का डिफरेंस कल देखा था, आपको याद है? ऐसा डिफरेंस हमारा देख के हो गया है और अब हम लोग कुछ करने जा रहे हैं खास। दोस्तों आपको बता दें ई कॉमर्स के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में, बहुत सारे हैं। अब देखते हैं, पहले तो एक कॉन्सेप्ट और है, पेज नंबर है आपके इसमें 4.12 जहां पे लिखा है ई कॉमर्स के वेंडर्स। देखिए कॉन्सेप्ट, इसको काफी देर तक आईसीए पढ़ाती है। ये देखो ई कॉमर्स के वेंडर्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे क्या नहीं दिख रहे? उसके बाद में अब देखो यहां पे ये सब कुछ जो लिखा है ना, उसके बाद में इन्होंने देखो, आपको याद नहीं आ रहा होगा, यहां पे एक वर्ड है पेज नंबर 4.11 पे कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स लिखा हुआ है। उसमें पहला बच्चा है यूजर, दूसरा बच्चा है वेंडर, कॉन्सेंट्रेट करना, आगे जा रहे हम लोग। उसके बाद में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में है आपका नेटवर्क, उसके बाद में 4. वेब पोर्टल और ये पेमेंट गेटवे। पूछो ये सब क्या है? ये बोल रहे ई कॉमर्स, यानी कि जब भी मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कुछ बाय करता हूं तो मुझे किन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है? देयर आर 6 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड व्हेन आई एम डूइंग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। कितने कंपोनेंट्स है? 6 कंपोनेंट्स यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आर्किटेक्चर, ये होगा था हमारा आर्किटेक्चर, 2 टायर, 3 टायर, 1 टायर, कम ऑन हो गया होगा, 4.18 और 4.19, 4.20 ये सब यूज हुआ। हमने ये भी देख लिया, 4.21 भी देख लिया था, 4.22 भी देख लिया था। दोस्तों आपको ये समझा दे रहे कि ई कॉमर्स में पहला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल जो हमने कल देखा था, फिर जो एक बीच में आया कंपोनेंट्स जो हमने अभी तक देखा नहीं है, फिर अभी एक कॉन्सेप्ट आया कि 1 टायर बताओ, 2 टायर वो हमने देखा हुआ है, फिर अभी एक क्वेश्चन है यहां पर जो हम लोग आज करेंगे अभी, वर्क फ्लो डायग्राम ऑफ ई कॉमर्स, और जिसमें लिखा है ये 7 बातें कि whenever you buy anything from e-commerce, आपको इन 7 चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि there are 7 steps to perform e-commerce transaction, आपको करना पड़ता है पहले login। याद करो जिन्होंने, आज हम आपको यहां से इस क्लास से एक बेहतरीन तोहफा देंगे दोस्तों, और वो तोहफा आपके सामने आएगा बस एक स्मार्ट वॉच के नाम पर। हम आपको स्मार्ट वॉच दे सकते हैं 2000 रुपए तक की, और ये स्मार्ट वॉच बस आपकी ही होने जाएगी अगर आप इन मुझे 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। I'll repeat what I'm saying. अगर आपने 7 steps को मुझे समझाया, सर मतलब करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको ये जो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 4.23, ये है आपका। इसके पहले हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, नंबर 1। इसके पहले हमारा क्या बचा? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, वो बचा, वो मेरा बाकी, मैं जानता हूं ये मेरा क्वेश्चन अभी बाकी सिक्वेंस में। सबसे पहले कहते हैं व्हेन यू गो फॉर ई कॉमर्स आपको लॉग इन करना पड़ता है, फिर कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर कहते हैं आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर कहते हैं आपको पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना पड़ता है, फिर वो आपके ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, फिर आपका ऑर्डर ट्रैकिंग होता है, फिर आपको सीओडी का ट्रैकिंग भी हो सकता है। यहां पे 7 स्टेप्स है, आपको बताना है कि सच्ची मुच्छी कैसे ऐसे हो सकता है क्या जो मैं आपको यहां पे स्मार्ट वॉच देने वाला हूं। आप लोग को यहां पे आके मुझे वो डेमो करके दिखाना है जिसमें 7 स्टेप का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे एक चुप, यहां पे आपको ये करके दिखाना है जो लिखा है, बिकॉज जो तेरी है वो ये क्या है, तेरी है, ये तेरी है जिसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, तो जो व्हाट मेरी है, ए दिनेश आउला है क्या तू, ये तेरी नहीं मेरी आवला है, मैं बोला तेरी तेरी दोस्तों, ये तेरी है जिसका आपको यहां पे आके मुझे फ्लिपकार्ट सॉरी अमेजोन से बाय करके दिखाना है कि सच में सर ऐसा है। ये सब आप दिखा सकते हैं? ओ एम जी, अब मैं किसको उठाऊं मुझे भी नहीं पता। अब तो मुझे इसके लिए भी एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जो ये जवाब देगा तो फिर वो जवाब देने योग्य होगा अभी, क्योंकि मैं ऐसे किसको भी उठाऊंगा फिर सबको लगेगा सर ने, सर ने उसको क्यों उठाया। तो इट्स बेटर आई विल आस्क वन क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन यू आर एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट? एवरीवन ऑफ यू कम ऑन, चेक इट आउट। देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप में भी कितना जोश, आप वहां पे हाथ ऊपर करिए, हम आपको वहां से बुलाएंगे। दोस्तों मुझे
क्या बोला मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप उसका जवाब देंगे तो फिर समझ जाना आपके पास प्रश्न है, आपको जवाब देना है, आपको मुझे अभी अगर फिर आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा तो फिर मैं किसको उठाऊंगा? जो सबसे पहले आप इधर आओ, हाँ, और लक्ष्मी जी आप भी आओ। नहीं नहीं आंसर नहीं, इनको सिर्फ देखने लिए बुलाया कि कौन सबसे पहले हाथ उठा। यहाँ पे ये दोनों मॉनिटर्स है। ओ लक्ष्मी प्लीज ऐसे मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है ना। टीचर है, ऐसे मत करो ना, अच्छा नहीं लगता है। ए भाई माइक दे इनको। आप लोगों में से देखो क्या होता ना, कभी कभी हो सकता है हाथ ऊपर करेंगे आप दिखेगा नहीं, आपको दो काम करना, हाथ ऊपर करना और चीखना भी है। ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और आपको यो बोलना है, ओके? अरे भाई जो मैं और अगर मेरे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसकी बात की बात कर रहा हूं, वो जिसको आएगा वो हाथ ऊपर, राइट। तो और ये दोनों मॉनिटर्स है, अच्छे से देखना। अरे तू ऐसा बॉसगिरी क्या करती रहे, बच्चे डर जाते तुझसे। रेडी? अरे तुम यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग सीधे वॉच के एलिजिबल है, सीधे दोनों को वॉच मिलेगा। ओके गाइस रेडी नाउ, वन टू थ्री, आपको बताना है। और अगर आपने कर देना घड़ी वहां कसम आपसे ले लेंगे, फालतू में हाथों पर मत करना, ओके? आया तो बोलना। वन टू थ्री, दोस्तों आपको बताना है कि 10 एग्जाम्पल्स ऑफ IoT। क्या हौली के कौन आई आई आपके बारे में बता रहे? तू क्या सेटिंग कर रहा उससे? अच्छे से कर देना तेरी हो जाएगी वॉच, आधी घड़ी तेरी आधी मेरी, यहां नहीं चलेगा आधा आधा। बेटा आपको पता है ये सवाल का जवाब देने के बाद में आप ये इस पे घड़ी नहीं है, घड़ी तो उसके ऊपर है जो अगला है, हाँ ना? ये पता है ना, आप पहले IoT के 10 एग्जांपल दीजिए जल्दी से। IoT मींस इंटरनेट ऑन थिंग्स, तो पहले तो हाँ वही और ठीक है। IoT डस्टबिन, IoT डस्टबिन नंबर वन। IoT कार, कार। IoT डस्ट क्लीनर। सबको चुप करो, कोई बात करो फिर मैं आपको चिल्लाऊंगा, कोई भी बात नहीं करना चाहिए। IoT एरोप्लेन्स। सर एक मिनट, कार पे अगर IoT हो सकता है तो एरोप्लेन पे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? हाँ चल ठीक है, अब बोल दे भाई, बाकी एग्जाम्पल दे दे और देना, हाँ तो अगले एग्जाम्पल दे दे। हाँ बोलो। IoT फ्रिज, IoT हीटर, हाँ ए रुको ना अभी, IoT CCTV, हाँ लक्ष्मी जी को आवाज देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आवाज नीचे बोल रहे हैं, IoT वॉल्स, IoT QR स्कैनर, नहीं नहीं सर GST, IoT क्या सर कहा से आया है सर? मॉल में। He has lost the chance. सर नहीं सर। अरे नहीं आप गलत बोल रहे हो ना बेटा। ये QR स्कैनर सर डीमार्ट में अगर प्रोडक्ट दे तो
उसमें अपने आप से कैलकुलेट करके आता है ना जीएसटी। Now I am changing the question, guys. अभी चेंज करना पड़ेगा ना, ए कुछ भी बोलता रहे, और तू किसको बोल रहा है? वो मैं वो कन्विंस ही कर रहा, नहीं सर आता ना। अच्छा बोला वो ठीक है भाई, इस मेकिंग में कन्विंस नहीं सर आता ना, वो क्यों आता आता। अरे वस्तुओं पर इंटरनेट है, और वो जो आपने एरोप्लेन का भी बोला था, अगर एरोप्लेन क्रैश हुआ तो वहां से संदेश आईओटी, अरे वो इंटरनेट ही नहीं है वहां, इंटरनेट कहां से? एरोप्लेन पे कभी इंटरनेट देखे? हवा में कैसे इंटरनेट आएगा चिंटू? अब बट वो कन्विंस करने का पावर अच्छा है, उसने मुझे मना लिया 2 मिनट के लिए, सर आता है वो लाइन में, ठीक है। एनीवेज गाइस देखते हैं, मुझे लगता है आपसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे लाइव स्ट्रीम वालों से पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप एक बार और चांस दे रहे हैं आपको, आपको जवाब देना, मैं इतना डिफिकल्ट पूछूंगा ना, माकसम किसको भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, ग्रेट, और आपको जवाब देना है आपको जवाब देना है ग्रीड कंप्यूटिंग के 5 कंपोनेंट्स 4 कंपोनेंट्स। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? आइए क्या नाम है निधि, ए सुनिधि जरा, सुनिधि चौहान हमारे बीच में, सुनिधि जैन। फर्स्ट है ग्रिड सॉफ्टवेयर, फिर नेटवर्क आई मीन इंटरनेट, और फिर डोनर्स, फिर वेट डोनर्स नेटवर्क ग्रिड सॉफ्टवेयर यूजर जो मतलब काम करवाता है यूजर, आंटी मतलब जो साइंटिस्ट थी वो, और एक और प्रोसेसिंग स्टोरेज। एक बता ले क्या बात है, सही बोल रहे हैं आप, जानते हो थोड़ा सा आप ये बताएंगे, जो आंटी है जिन्होंने काम दिया है, जो उनके समय डेस्कटॉप था उससे काम तो होगा नहीं, उन्होंने ग्रिड का इस्तेमाल किया होगा, तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत है कि नहीं है? सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे उनको डोनर्स कहते हैं, वो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम बांटेंगे और वो मिलके फिर एक सुपर कंप्यूटर के जैसा वर्क करता है। सही बोल रही है, तो एक छोटे एक डोनर को तुम छेड़ो मत यहाँ बैठे बैठे, वो सही बोल रही है, हम निर्णय लेंगे। एक छोटे डोनर्स को क्या काम करना है, पूरा काम करना है, स्मॉल पीस राइट, एवरी डोनर इज रिक्वायर्ड टू वर्क, बट छोटा छोटा काम, द पूरा वर्क विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, और हर डोनर को तक काम करना पड़ेगा। आपने इस पूरे काम में इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि काम ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, विदाउट इंटरनेट। मतलब आंटी तो यहाँ बैठी है कंप्यूटर से, डोनर्स आंटी के पास या कहीं भी हो सकते? कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, तो वो जो काम कर रहे प्रोसेसिंग का जो काम है वो डोनर के पास है आंटी के पास? प्रोसेसिंग डोनर्स करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है ना, बिल्कुल सही है। और वो जो सॉफ्टवेयर था वहाँ पे, वो सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? ग्रिड सॉफ्टवेयर ही काम बांटेगा सब। बिल्कुल, अरे सही, एक बार सही है, अच्छा जवाब दे। आप कुछ ज्यादा पढ़ रही हो ऐसा लग रहा है, मतलब क्लास के बाद में भी कुछ पढ़ती हो? हाँ, ऐसा लग रहा है, ये उसका ही असर दिख रहा है, बिकॉज खास तरीके से हमने अभी तक रिविजन लिया नहीं है। आप बहुत अच्छे पढ़ रही नहीं थी, सुनी थी आपसे अभी, बस ये लैपटॉप आपके हवाले है, आपको स्मार्ट वॉच मिल सकता है, अमेजोन आपको चालू करना है, और आपको सबसे पहले ये सारे स्टेप्स करके बताना है, और कुछ नहीं करना है, बस ये जवाब देंगे तो जो वॉच आप लेंगे आपकी हो जाएगी। एप्पल ए पहले से बजट डिसाइडेड है ना, ऐसे मत करना, एप्पल तो एक काम करो मुझे लेके चले जाऊंगी। इस समय स्क्रीन पे प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सुनिधि, कस्टमर लॉगिन करना पड़ता है। हाँ, तो सर आपकी आईडी से लॉगिन करिए ना, हमको कुछ भी नहीं पता लॉगिन का मतलब क्या होता है, मेरा वो
ना आपका अकाउंट है नहीं इसका इनका मतलब क्या है लक्ष्मी बॉम्ब ये फर्स्ट स्टेप है कस्टमर्स लॉगिन ये क्यों किया हमने ये लॉगिन करेंगे तभी मतलब जो अमेज़न वाले उनको पता चलेगा कि हाँ इस कस्टमर ने लॉगिन किया है चलो ठीक है पता है कि हमारी जो चैप्टर है उसका नाम ही ई कॉमर्स है तो एक क्वेश्चन तो जायज है कि ई कॉमर्स कैसे होता है एक एक ट्रांजैक्शन करके बताओ मतलब यहाँ पे फिर वो कहाँ पे बढ़े ये इतना बेसिक है क्या हो रहा है चंडे अच्छा अच्छा कर लीजिए जो करना है पर हो जाएगा ना आज लक्ष्मी सब बोल रहे हैं इसको क्लास का मॉनिटर बना दो लक्ष्मी को बस फिर आपको मॉनिटर बना देंगे हम अभी बेटा करो जल्दी क्या चाहिए फॉर योर सिक्योरिटी अप्रूव द नोटिफिकेशन तो आप अप्रूव करिए ना क्या वो 08 आपका नंबर है क्या और कहाँ पे आता है 08 मैसेज में आता होगा ना कम ऑन नीड हेल्प में आते हैं क्या बोल रहा है आ गया ना हाँ बस नहीं आया रिसेंट पे क्लिक नहीं हो रहा क्या देखो कैसे आएगा इसको कर आप तब तक दूसरे लाइन को पढ़ा दे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं आप कुछ बोलेंगे ये प्रोडक्ट सर्विस सिलेक्शन क्या होता है मैं पढ़ता हूँ आप बताना है क्या होगा इसके अंदर कस्टमर सेलेक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस क्या मतलब है इसका बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फॉर एग्जांपल मुझे अभी वॉच परचेज करनी है तो मैं उस वॉच के सेक्शन में जाऊंगी कैटेगरी में फिर जो मुझे पसंद आएगा वो सेलेक्ट करूंगी तो ये पॉइंट मतलब क्या आपको एक वॉच दिखाई जाएगी बहुत सारे ऑप्शंस और उसमें से जो अपने को पसंद आएगा वो सेलेक्ट करना है तो ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा फिर पॉइंट नंबर 3 क्यों करेंगे इसको पढ़ेंगे आप प्लीज Order is placed for selected product or service by customer. This steps leads to next important activity payment gateway. आपके इसमें बुक है ना आपको दिख रहा होगा ना क्या बोल रही है ओके लक्ष्मी जी आप जल्दी से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका कुछ मैं मेरा अकाउंट एक बार ट्राई करता हूँ मेरा लॉगिन होगा तो वापस से चालू करते ओके मेरे को बैक करना है और मैं वहाँ पे साइन इन कर दूँ मेरा और हाउ डू यू नो अबाउट इट मैं इसके पासवर्ड थोड़ी ना याद करूँगा यार फाइव सेवन टू नाइन सिक्स थ्री यही बचा है बस जिंदगी में इनके पासवर्ड चेंज करो यही करो जाने दे बेटा अब वन तू अब करो जल्दी से चलो स्टार्ट करो ओके गाइस आपके बुक का सेकंड स्टेप सर कर रही है सुनिधि यहां पे इस वक्त स्मार्ट लीजिए स्मार्ट वॉच अच्छा
2000 नहीं, मुझे खांसी आ रही है, कफ हो रहा है. कर ले. अच्छा सर चाहिए इसको है, बता था पर. चलो कोई बात नहीं, ले लीजिए आप. ठीक है ना, एक बार देख लीजिए तो आपको ठीक लगे रोज पे. ओके बिल्कुल. ये अभी एक काम करते हैं अपन, सेकंड स्टेप अपना कौन सा था एक बार चेक करो. सिलेक्शन हो गया क्या अपना? सिलेक्शन थर्ड में अभी सिलेक्ट हुआ, पर लिखा है थर्ड में. थर्ड का नाम पढ़ो क्या लिखा है. Order is the place for selected. अब order कैसे place करेंगे बताइए? Add to cart या फिर buy now. Buy now कर दो. Buy now. सर ये आंसर तो मुझे भी आ रहा था. Okay, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे आपके बुक से प्लीज. क्या आप लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? ये मुझे किताब खोलने दीजिए आपकी यार, नहीं तो वरना वापस पूरा पढ़ाना पड़ेगा मुझे. पता है इतना ही नहीं, आईसीए ने जब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना सीए इंटर का, ये क्वेश्चन पूछा 6 मार्क के लिए. मतलब ये कितना इजी क्वेश्चन है और ऐसे पूछ लेती है और बच्चा उसको लगता है ये क्या पढ़ना है इसको. उनको कुछ भी कर सकते हैं ऐसे है. और आपको ये प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो हमेशा याद भी रहेगा, इसलिए चल रहा है. फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ था? लॉगिन हुआ. सेकंड में क्या हुआ? अभी वॉच सेलेक्ट कर ली इन्होंने. कस्टमर प्लेस द ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर प्लेस करेगा. यहाँ पर लिखा ऑर्डर इज प्लेस फॉर सेलेक्टेड प्रोडक्ट, दिस स्टेप लीड्स टू पेमेंट गेटवे. ये क्या करना है अभी? अभी अभी तक पेमेंट गेटवे आया है स्क्रीन पे कि नहीं आया? नहीं आया. ठीक है, ये अभी यहाँ का जो ऑर्डर है, ये यहाँ पे कौन सा है, ये आ गया ना फर्स्ट वाला. बराबर ऑफिस का एड्रेस है. ठीक है ठीक है, आप यहाँ पे ऑर्डर आएगा आपको दे देंगे. ठीक है ना? यस सर. विल यू ट्रस्ट मी? यस सर. ओके, ये एड्रेस फिल करने के बाद अभी रुकिएगा, मुझे बताने. यहाँ पे लिखा कि आप पेमेंट गेटवे तक पहुंचते हो, क्या सच में पेमेंट गेटवे आएगा? आ गया. ऐसा क्लियर? तीसरा स्टेप क्लियर है? फोर्थ स्टेप पढ़िएगा जरा प्लीज. फोर्थ स्टेप पढ़ेंगे क्या लिखा है? पढ़ेंगे हियर कस्टमर सेलेक्ट्स द पेमेंट मेथड, इन केस पेमेंट मेथड इज अदर देन कैश ऑन डिलीवरी द मर्चेंट गेट्स द अपडेट फ्रॉम पेमेंट गेटवे अबाउट पेमेंट रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर. इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी ई कॉमर्स वेंडर मे डू एन एडिशनल चेक टू वैलिडेट कस्टमर. कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है बताओ जरा बच्चों को. जब प्रोडक्ट आएगा तभी हम पेमेंट करेंगे. यहाँ पे तो एक्चुअली सीओडी है ना, यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन भी है. अच्छा वो दे नहीं रहा वैसे, यहाँ पे वो ये ब्लर किया था, मतलब है नहीं वो. ठीक है ना, पर हो सकता है चाहे तो. अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा आप ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? पेमेंट तो आपको ही करना है सर, आप जो बोले. ऐसे मत करो यार, दे दो ना आप पेमेंट, दे दो ना प्लीज. कैश है सर सिर्फ मेरे पास, वो अवेलेबल नहीं है ना कैश ऑन डिलीवरी. सुन दिया, ऐसा मत करो, दे दो ना यार, कुछ भी नहीं मेरे पास. सर बोलिए. और प्लीज आप बोलिए ना. मैं क्या बोल सकता हूँ. अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग अदर यूपीआई यूज कर लें. यस ओके फाइन. इसमें वो जीपे का ऑप्शन नहीं देता क्या? ठीक है डाल दिया. ओके ये मैं आप देख रहे होंगे मुझे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है. अब जानते नहीं जीपे का एक कॉन्सेप्ट होता है. अभी देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये जीपे आया हुआ है. लक्ष्मी जी आप इसको वाउच कर सकती हो. अरे तुम हम में क्या कमी रह गई? देख तू देख ले जल्दी रे. नहीं देख देख, हाँ क्या करेगा कर ले. हम में क्या कमी रह गई? इधर कुछ आया नहीं पर
किधर है? पहले प्रोसीड तो करी सर, आगे तो जाइए। हाँ यूज। सॉरी दिस ऑर्डर। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है। सर एप्पल वॉच का ऑर्डर आ जाता है। आई वॉच। थोड़े बहुत जो जिंदगी में पैसे बचे हैं, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या इसको? अरे पर एक पुणे में, पूना तो पूना है। चलो ये एड्रेस देख लेते हैं। अरे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है मुझे, ये भी नहीं क्या? अरे हम क्या कर रहे हैं वे? ये कैसा नौटंकी है यार, पूना में कैसे नहीं आ सकता है? सम आइटम्स इन योर ऑर्डर, सम क्या एक ही आइटम है? नॉइस पल्स टू मैक्स एडवांस ब्लूटूथ, क्या क्या लिखा है? आई थिंक एक काम करे फटाफट, दूसरा वॉच सेलेक्ट करे। ले बेटा ले, जल्दी से कुछ कर ले जल्दी से, अपना टाइम नहीं है अपने पास। अब वापस से जाना पड़ेगा उधर। चल चल चल, रुके ना तू, थके ना, चल जल्दी से। हाँ ले ले, चल चल। खड़े खड़े बर्बाद हो रहा हूं मैं, पहले 2300 की थी अब 2600 की आ रही है। हाँ वही बैठे बैठे बर्बाद हो रहा हूँ। हाँ जाने से, हाँ कर लो कोई देते हैं दिक्कत नहीं। हम लोग कौन से स्टेप पे अभी? ये करूँ ना यार है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। ए यार ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है क्या? क्या चाहिए बेटा? क्या डालू पर? स्क्रॉल करूं? अरे गिफ्ट कार्ड नहीं चाहिए हमको। अब आएगा। आ गए यहाँ पे। कौन सा स्टेप है अपना? ये पेमेंट गेटवे देख लो भाई, एक बार फोर्थ वाला चल रहा है। ये फोर्थ पे मैंने क्लिक किया, एक बार देख लीजिएगा। फोर्थ पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके फाइन, ये हो गया। ओके और ये ऑर्डर डन। फोर्थ आगे बता देंगे क्या हो रहा है। फिफ्थ स्टेप है डिस्पैच एंड शिपिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस में बी एग्जीक्यूटेड एट टू डिफरेंट एंड्स। फर्स्ट इफ प्रोडक्ट और सर्विस इन्वेंटरी इज मैनेज्ड बाय ई कॉमर्स वेंडर देन डिस्पैच शैल बी इनिशिएटेड एट। छोड़ दीजिए, आप बता दो डिस्पैच क्यों करेंगे वो लोग? ऑर्डर प्लेस हो गया है तो जो भी वेंडर है उनकी मतलब अपन डिस्पैच करेंगे? नहीं, जिसके जिस वेंडर पे ऑर्डर मतलब बोट पे प्लेस किया तो वो डिस्पैच करेंगे। क्यों करना चाहिए? ऑर्डर प्लेस हुआ तो वो डिलीवरी के लिए डिस्पैच करेंगे? नहीं करेंगे तो ऑर्डर मतलब रिसीव नहीं होगा। मतलब डिस्पैच तो करना ही चाहिए यार। डिस्पैच नहीं तो क्या करा हमने? डिस्पैच तो करेंगे ना। ओके ये क्या ये बताइए, ये समझा दीजिए बस। डिलीवरी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग? हाँ हम ट्रैक कर सकते हैं ना कि ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। देखो तो कहाँ तक पहुँचा है? नहीं आ जाएगा अभी ऑर्डर आ जाएगा आपको यहाँ पे। देखे बताओ कैसे ट्रैक करते हैं, किसी को पता है? आपको पता है कहाँ पे? ऑल पे यहाँ पर ऑर्डर होगा। माय ऑर्डर्स माय ऑर्डर्स माय ऑर्डर्स योर अकाउंट पे क्लिक कर दूँ? देख ली एक मिनट, जरा ट्रैक पैकेज जरा आ गया ट्रैक वाला। एक मिनट रुके, हाथ
डिलीवरी ट्रैकिंग वाला गया? एक बार देख लीजिए, ये डिलीवरी ट्रैकिंग है, ट्रैक करो। कब आ रहा है? मंडे। आज क्या है? आज सैटरडे। हाय हाय, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। हमको भी पहनने देना एक एक दिन के लिए, ओके? पर वो गर्ल्स के लिए है, लक्ष्मी जी को देना पहन। आप ठीक है? ओके गाइस, ये 6 नंबर का स्टेप हो गया। क्या आप बताएंगे सीओडी ट्रैकिंग क्या होता है? लास्ट पॉइंट गाइस, इट्स ओवर। अगर कैश ऑन डिलीवरी किया है तो मतलब ये बहुत कठिन है, गलत है तो मैं घड़ी का बेल्ट नहीं दूंगा। बेटा बेल्ट जगह देंगे, बेल्ट जगह देंगे। अगर कैश ऑन डिलीवरी किया है हमने सेलेक्ट, तो जो वेंडर होगा वो चेक करेगा कि कैश पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं। एक बार तालियां, बहुत सही बोला है, सुपर। ये बताएगा, ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। कैसे है ये? अपना नहीं है। अगर हमने सीओडी किया होता तो क्या बोलता? अपना टेंशन नहीं है कि अपने वो घड़ी कैश ऑन, टेंशन तो उसको, बिकॉज उसको पैसे मिले नहीं है। तो वो क्या बोलता है 7 पॉइंट में, बोट कंपनी ये चेक करेगी कि जो घड़ी दी है उसके बदले में कैश आया कि नहीं। घड़ी तो गई, कैश आया कि नहीं, ऑब्वियसली ट्रैक करेगा ना। इस केस में क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी पेमेंट हो चुका, पेमेंट हो चुका यहाँ पे, तो उसको टेंशन, उसको पैसे मिल चुके हैं। अभी 7 में प्रॉब्लम हुआ, 7 में उसको टेंशन आती है कि जो गया है उसके पैसे आए कि नहीं। ये सीओडी ट्रैकिंग अपना नहीं है, अपन क्या ट्रैक करेंगे उसमें? ट्रैक तो वो करेगा जो गया है सामान, उसका पैसा आया कि नहीं। आई थिंक 7 स्टेप आप हर कोई बोल के बताएंगे, जीवन भर के लिए याद है, रजिस्टर्ड हो जाएगा, रट्टा मारने जरूरत नहीं। अब बताएंगे नंबर 1 कौन सा है? लॉगिन क्लियर है। नंबर 2 बात, प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, फिर उसको क्लिक करते हैं तो वो पेमेंट तक जाता है, पेमेंट गेटवे से यूपीआई का पेमेंट कर दिया, वो लोग डिस्पैच करेंगे, फिर हम लोग अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं और वो लोग भी सीओडी ट्रैक कर सकते हैं। लक्ष्मी जी बोल के बताइए फटाफट से। हमारी बात होंगे इधर। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, हाँ? फिर उसके बाद हम ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, हाँ? फिर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो पेमेंट गेटवे, पेमेंट हो जाएगा तो ट्रैकिंग नहीं, डिस्पैच होगा, फिर ट्रैकिंग, अगर सीओडी किया तो सीओडी ट्रैकिंग। बिल्कुल सही है। मुझे घड़ी चाहिए भी नहीं। इसको मत छेड़, रेड़ा है क्या तुम? हाँ दोस्तों, एक बार सुनिधि के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत ठीक है, सुपर सुनिधि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वाज अमेजिंग यार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों इसी तरह से हमें हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम क्या? हर्षित। हर्षित कहाँ से? यहाँ सर एमपी से। हर्षित नहीं, नहीं वो जानता, मैं भूल गया था ना, हर्षित एमपी, एमपी से। ठीक है, चलो ठीक है। एमपी से कोई है यहाँ पे? आप ग्वालियर से है क्या? नहीं, मैं छतरपुर से। छतरपुर से, उधर कौन है, कहाँ से आप? खंडवा से? हाँ ग्वालियर, दिनौर। अरे हाँ, आप कहाँ से? मंदसौर, खरगोन, हाँ बड़वानी, ओके। आवाज निमज, निमज, ओके। बरानपुर, खंडवा, सतना। एक बार सारे एमपी वालों के लिए डाली यार, क्या बात है, सुपर गाइस, मजा आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं ये कॉस्ट। आपको बता दे रहे हैं सबसे पहली बार आईसीएन ने, मैं आपको चाहे तो एक क्वेश्चन खोल के दिखाता हूं आईसीएन ने कैसे, इसका नाम है वर्क फ्लो डायग्राम। और आप जरा देखिए आईसीएन का एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आईसीएन ने इस क्वेश्चन को सच में पूछा था, मतलब आईसीएन कुछ भी कर सकती है। आपको देख के लगता है इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना कोई पूछ सकता है, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना तो आपको लगता है अच्छा यार अब तो ये भूलने का चांस ही नहीं है। कहाँ गए पास्ट एग्जाम? देखो ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, और ये इंटरमीडिएट है, और ये यस है, और सबसे पहला पेपर आया था उसमें उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा। मैं देखिए ये देखो यहाँ पे किधर है, ये देख लीजिए।
क्वेश्चन 6A 8 मार्क्स के लिए पूछा था, ड्रॉ वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स एंड डिस्क्राइब वेरियस, ये अपने जो 7 स्टेप्स किए वही है। इट वॉज आज इन द एग्जामिनेशन फॉर 8 मार्क्स इन वॉट May 2018 एग्जामिनेशन। एवरीबॉडी याद आ गया, समझ गया सब कुछ, कोई शक सवाल आपको? और डायग्राम क्या करना है, ये डायग्राम है, बोल तो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम भी कितनी तुच्छ है, देख लीजिए मैं डायग्राम में बहुत एक्सपर्ट नजर, पढ़ो क्या लिखा है। नंबर वन क्या लिखा है, कस्टमर जाता अपना ऑर्डर देता, वो ऑनलाइन भी देख सकता फोन से भी देख सकता, फिर क्या करता अपना पेमेंट देता, फिर ऑर्डर उसकी सेंड हो जाती, फिर शिपिंग हो जाती और उसके घर पे, देखो यहां से वो गुड्स आ जाते उसके घर पे, कुछ नहीं है, वो गया ऑर्डर दिया, फिर क्या उसका पेमेंट दिया, फिर ऑर्डर गई, ऑर्डर का सामान अपने घर पे आ गया। वो 7 स्टेप्स का उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम, कुछ डायग्राम भी कुछ काम का नहीं, पर उन्होंने बोला ड्रॉ वर्क फ्लो डायग्राम, ऐसा लग रहा बहुत बड़ा डायग्राम, कुछ कुछ भी नहीं है। ये पता है क्या लिखा है, ये लैपटॉप से ऑर्डर दे दो, ये फोन से दे दो, फिर क्या होगा पेमेंट देंगे, फिर आपके ऑर्डर प्लेस होंगे, तो फिर क्या होगा वो लोग आपकी ऑर्डर सेंड टू वेयर हाउस, यानी कि शिपिंग वालों को मालूम चाहिए ऑर्डर आई है, फिर क्या करते हैं ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं और आपके घर पे ऑर्डर आती है गाइस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चेक इट आउट। किसका प्रैक्टिकल चाहिए, ऑर्डर कैंसिल करने का अभी डेमो चाहिए, डोंट वरी, ऐसा कॉन्सेप्ट लाया सुपर। आपको मैं कुछ कहने जा रहा हूं मित्रों, ओ बच्चो एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, कहते हैं कि अगर हमें ई कॉमर्स के दुनिया को भारत में बहुत आगे ले जाना है तो क्या कुछ करना होगा, आर यू रेडी फॉर इट? मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ई कॉमर्स के दुनिया को अगर आपको बहुत ही आगे ले जाना है तो भारत में क्या कुछ करना जरूरी है, क्या आप इस बात को मानते हो क्या? किस बात को? कि सच में अभी भी भारत में ई कॉमर्स उतना यूज नहीं हो रहा है? सर मतलब यूज नहीं हो रहा था, वो तो रहा, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आप समझे नहीं मेरी बात को। क्या आपको लगता है सच में इंडिया में लोग 100% ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं इंटरनेट पे, फिर उसके बाद में आप में से बहुत ही लॉजिकल जो जिनकी थिंकिंग है वो यहां पे आज एक इनाम जीत सकते हैं, आपको मेडल से सम्मानित करेंगे, आईफोन देंगे। अरे तुम लूट लो मुझे यहां, वो स्मार्ट आई वॉच मांग रही, तुम फोन मांग रहे, अरे क्या चल रहा है कि क्या? अच्छा मैं कर क्या रहा हूं यार? मैं नहीं तरह, मैं इमोशनल हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि अभी भी इंडिया में कितने लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है, आपको मुझे जवाब देना है सच्ची सच्ची अच्छा वाला, कि कौन से लोग योगदान देंगे तो ई कॉमर्स भारत में बहुत अच्छा चल सकता है। और हर एक पॉइंट के लिए मैं आपको 20 रुपीज दूंगा, चलो 50 रुपीज दे दूंगा। आपको मन से सोच के बताना है, इन लोगों ने अगर सच में अच्छी पारी खेली ना तो भारत में ई कॉमर्स का बहुत विकास हो सकता है। आपके पास 1 मिनट का समय है, यू थिंक अबाउट इट। हर एक पॉइंट आपको 50 रुपए देगा। आपको बताना है कि सर ई कॉमर्स को अगर भारत में सक्सेसफुल बनाना है, अगर ये सारे लोग अगर सही काम कर लेना, या ये संगठन है, या फिर ये चीज अगर अच्छी हो गई ना, इंडिया में ई कॉमर्स में आग लगा देंगे, आग यानी कि बहुत चलेगा। अभी भी इंडिया में आप जानते हो 5 से 10% लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं, क्योंकि वो भी जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, गाँव में तो इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है। ओके जल्दी से सोच के बताना है अच्छे से, आप लिखे जितना लिखोगे उतना, हर एक पॉइंट का 50 रुपए। तुझे याद किया, आप लोग 1 मिनट का समय ले रहे हो। इतनी खताएं तू लेकर चला है, दौलत ही जैसे तेरा खुदा, हर पल बिताए तू जैसे हवा है, गुनहा के साए में चलता रहा, ऐसा जानू ना, मैं जानू ना, तू ही
आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारत की पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, एक बिलियन डॉलर से ज्यादा, एक बिलियन यानी कि 100 करोड़। हमारी पॉपुलेशन इस समय 1.4 बिलियन डॉलर है, यानी कि 140 एक बिलियन डॉलर तो आ जाता है, एक बिलियन है, 1.4 बिलियन है। तो इस समय कह रहे हैं कि 2020 तक 150 मिलियन, यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हो 150 यानी कि एक मिनट 10 लाख का होता है, यानी कि 1.5 करोड़ लोग जो है, मैं सही कह रहा हूँ क्या, 15 करोड़, 150 मिलियन को 150 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 15 करोड़, यानी कि 15 करोड़ हमारी आबादी जो है वो ई कॉमर्स को यूज कर रही है। आने वाले समय में 2025 तक 35 करोड़ आबादी जो है ई कॉमर्स को यूज करेगी, लगभग अभी मान लो 200 तक पहुंच गए होंगे, तो यानी कि 150 करोड़ में से 20 करोड़ लोग ही अभी भी ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लोग आज भी प्रॉपर दुकानों से जाके माल खरीदने में विश्वास रखते हैं। कई लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, तो कहीं पे इंटरनेट नहीं है, कहीं तो गांव में रहते हैं, और कहीं पे अवेयरनेस है, और कहीं पे अवेयरनेस भी सब कुछ है पर वहां पे कुरियर आता नहीं, और कई लोगों के पास में ऑनलाइन बाय करने की यंत्र नहीं, ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड ना यूपीआई, मतलब कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों ई कॉमर्स आज भी भारत में उतना सक्सेसफुल कामयाब नहीं, अभी भी भारत में बहुत पोटेंशियल है, और यही एक वजह है कि ई कॉमर्स पर लोग इतना बुलिश है। लोग कहते हैं फ्लिपकार्ट लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी वॉलमार्ट ने 1 लाख करोड़ में खरीदा किया उसको, क्योंकि उसको लगता है कि आज ना कल इंडिया में मतलब बढ़ ही रहा और बढ़ने ही वाला है, देयर इज नो डाउट। इसलिए लोग नायका पे भी पैसे लगाए कि नायका बहुत चलेगा, फ्लिपकार्ट बहुत, इसलिए वो फ्लिपकार्ट भी और ये सब, आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका इतना वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप जैसा कोई इंसान मुझे यहाँ पे आके बताए, अगर भारत में हमें ई कॉमर्स को स्ट्रांग करना है, अगर इसको हमें लगता है कि 100 करोड़ लोगों ने ई कॉमर्स यूज करना है, तो क्या कुछ करना होगा, कैसे मुमकिन होगा, किन संस्थाओं का, किन इंस्टीट्यूशन का, कौन सी चीजों का इंडिया में अच्छा होना जरूरी है, तब जाके ई कॉमर्स के यूजर्स भारत में बढ़ेंगे। ओह नो, कितने लोग इसका जवाब देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसका जवाब देना चाहते हैं, कितने लोग, बहुत सारे लोग हैं, सो मेनी ऑफ यू, राइट, सो मेनी ऑफ यू, कितने लोग, आजा बेटा चल, बहुत दिन से वेट कर रहा था मैं, आए गए, ये हमारी क्लास का स्मार्टेस्ट बॉय है, ये वही इंसान है जिसने 365 स्कोर किया सीए फाउंडेशन में, 66 366 और आगे बोलने की जरूरत नहीं है, जानते कौन है वो, यहाँ पे 200 लाने की प्रॉब्लम थी। यशराज, यस सर, बोलिए। सबसे पहले तो अभी रेट्स जैसे बढ़ गए वाईफाई मतलब नेट के, तो वो थोड़े अगर कम कर दिए कंपनीज ने, अभी जियो का जियो मार्ट भी है, तो मतलब वहाँ से अगर उन्होंने अपने रेट्स कम कर दिए, तो लोगों को मतलब विलेजेस में जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब आपका ये मानना है कि भारत में जो है इंटरनेट जो है, हाँ, क्या बोलना चाहेंगे इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के प्राइसेस कम कर सकते हैं, और इंटरनेट के प्राइसेस कम करें, और फिर गवर्नमेंट वाईफाई, नहीं इंटरनेट के ऊपर और एक पॉइंट बोल सकते हो, अब ज्यादा मतलब रूरल एरियाज में वहां पे वो अवेलेबल कर सकते हैं नेट। हाँ, मतलब क्या हुआ कि भारत में इंटरनेट अच्छा होना जरूरी है। आप जीतते हो 50 रुपए, एक बता लिया। क्या आपको लगता है सच में इंटरनेट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एज लॉन्ग एज ई कॉमर्स इज कंसर्न? नो इंटरनेट नो ई कॉमर्स, क्या मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही, नो इंटरनेट नो ई कॉमर्स के शब्द सही है? नंबर दूसरी बात, और अभी जो एप्स है जो मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स करते हैं, उन्होंने अगर नेटिव लैंग्वेज में हर एक सिटी में ऐसा हर एक स्टेट के लिए नेटिव लैंग्वेज में अगर अवेलेबल किया, तो फिर लोगों को कन्वीनियंट होगा वो ऑर्डर प्लेस करना, वो तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। चलो मान लो है, अब आगे और ई कॉमर्स को आगे ले जाना है भारत देश में, कौन से लोगों ने क्या, कौन सी चीजें अच्छी होना चाहिए तो ई कॉमर्स और भागेगा दौड़ेगा?
कुरियर सर्विसेज ज्यादा, बिल्कुल सही है, सही जवाब प्राप्त हुआ है, कुरियर सर्विसेज। जितना कुरियर इंडिया में गांव में कोपचे में जाएगा उतना इंडिया में, ऑब्वियसली ना अभी बहुत कोपचे में नहीं जाता है, आप एकदम गांव का नाम लो तो बोलेगा ना कुरियर, बोलेगा नहीं भाई मैं जाता नहीं इधर, वो सिर्फ वहां पे वो इंडिया पोस्ट जाता है। अभी तो आपने गांव की क्या बात करें, पूना में भी नहीं आ रहा ये, आप जीतते हो 100 रुपए। तीसरा पॉइंट, अगर एप्लीकेशन के जो है और सिंप्लीफाइड किया उसको, ओके नेक्स्ट, क्या अच्छा किन सब, कौन से लोगों ने अच्छा रहा, कौन से लोग या क्या चीजें अच्छी होगी तो भारत में ई कॉमर्स बहुत आगे जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं, एक एक दो पॉइंट उसको बोलने दीजिए फिर मैं आगे आता हूँ। सर अगर उन्होंने हर एक चीज में मतलब लैपटॉप्स जैसे वो देते तो उसकी चेकिंग उसकी होती है ऑन द स्पॉट होती है, तो उसे हर एक चीज की उन्होंने ऑन द स्पॉट चेकिंग का किया, मतलब लैपटॉप जब अपन ऑर्डर करते हैं तो वो वहाँ पे अपने को ऑन करके दिखाते हैं जैसे, पर बाकी चीज़ों के लिए वैसा अलाउड नहीं है, अपन बाद में करते फिर वापस रिटर्न ऑन डिलीवरी, उसको बहुत टाइम जाता है वो सब करने में, तो लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में। ओके ओके क्या सब कुछ अच्छा होगा तो भारत में ई कॉमर्स बहुत अच्छा होगा। आजा जम 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 कम फास्ट यशराज, थैंक यू, आप 100 रुपए शो से जीत के जा रहे हो, थैंक यू सो मच। दो पॉइंट यशराज ने सही जवाब दिए कि इंडिया में इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और कुरियर अच्छा होना चाहिए। जितने भी दुकानदार हैं अपने आप को अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करें ताकि डिलीवरी फास्ट हो जाए। ओके आई गॉट इट। और जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपने आप को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रजिस्टर करना चाहिए। ओके नहीं भी करते तब भी आप भेजेंगे swapnilparty.com चल रहा है, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, कन्वीनिएंट, जैसे अभी डंजो चल रहा है तुरंत डिलीवर कर देता है, हम तुरंत प्रेफर करते हैं। ओके नेक्स्ट, आजा आप जाइए उनके माइक दीजिए। अभी तक सिर्फ 100 रुपए यशराज जीते शो से, इसके बाद में चेन्नई एक्सप्रेस यू कम। सर सबसे पहले ई कॉमर्स जो आप आसाम से या उड़ीसा से? उड़ीसा से। ओके सर सबसे पहले ये शॉपिंग वो सब जो होता है जो मोबाइल में होता है, और मोबाइल आज भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर मोबाइल का प्राइसेस कम किया और उसका यूजर बेस बढ़ा दिया तो ई कॉमर्स भी बढ़ जाएगा। और सर और जो बहुत सारे ऑनलाइन ये जो बाइंग सिस्टम है उनमें लैंग्वेजेस नहीं होता अलग अलग, बोला बोलो बोल दिया लिखा हाँ ठीक है उसने लिखा है। और सर जैसे अभी इंडियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ रही है सो नया स्टार्टअप्स आना चाहिए, गवर्नमेंट को नया स्कीम्स लाना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, सबके ऊपर सबको बोलना चाहिए कि ये सब भी है स्टार्टअप्स में आना चाहिए। अच्छा बोल रहे हैं आप, ठीक है, थैंक यू सो मच उड़ीसा, यू ऑल्सो कम। हेलो सर, चेन्नई, यस टेल मी चेन्नई एक्सप्रेस। सर एक्चुअली स्पीकिंग द रिटेल ट्रेड इन इंडिया इज मोरली into unorganized sector, sir. Yeah. So if we tap into that resource, it'll be very effective for e-commerce to expand much more bigger than what it is expected to, sir. And the main problem that I see is, of course, there are many pros, but the cons mostly I see is, if you go into this Kirana shops, we get a personal touch, sir. So if you go to some small shops, the unorganized sector, we get a personal recommendation from the shopkeepers that we miss really in e-commerce, sir. And there is also a credit facility, not for of course not for all the products, but still we got a credit facility. You think we should provide credit facility? Yes, sir. Not for everything, sir, but at a grassroots level. Okay. Do you think credit facility is important? Already hai. Sir, not for everything. Like EMI is there, okay. I'm saying at the grassroots level, sir. Okay, okay. The everywhere. Sister, the retail. I got it. Okay, next. The next is there is high economic disparity in India, sir. Okay, I'll answer the question. You please explain why. ICICI says, okay. ICICI says, even they should work properly. If you answer, you'll get 50. So
ICICI says to make e-commerce effective in India, even payment gateways like Rozerpay, EaseBus, payment gateways. See, if you're coming on my website, you can't make payment to me directly. You're using some, you know, payment gateway system. Aapke account se it goes to payment gateway, then payment gave it to me. It happens. It's a third-party application. Okay. So tell me, ICICI says even they have to play an important role. Tell me why they are important for this. Why do you think payment gateways are important? What will happen if the payment gateway doesn't work properly? So obviously it will get delayed and the money gets routed directly, so there cannot be a regular check on the transactions. And there is also, like, we can concentrate on our core activities, yeah, by outsourcing. Actually, what if the payment gateway system doesn't work properly, or they are doing lots of delays? So suppose you are making payment on swapnilpatni.com and EaseBus is my payment gateway. Okay, it takes like 4 or 5 days or maybe 10 days to get my payment in my account. So obviously it'll affect my business, yes, right? Yes, so currently I'm getting payment in just T plus one. And like you making the payment, within next transaction plus 1 day, I'm getting my payment in my account. So you think they are playing an important role? Sir, yes, sir, they're playing a very good role, but still there is a lot more to come expected from them, so that transactions are made with ease and yeah, more customer friendly. क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता ना कि आपका पैसा अटक जाता है. आपको कई बार होता है ना सर, पेमेंट अटक गया, डेबिट हुआ सामने, ये सब प्रॉब्लम किसी का नहीं, ये प्रॉब्लम गेटवेज का होता है. आपका पेमेंट डेबिट हुआ, सामने वालों को मिला नहीं, कहाँ गया ये भाई, ये पेमेंट गेटवे के पास पड़ा होता है. फिर वो पेमेंट गेटवे 2-4-8 दिन बाद बोलता है, तब तो कस्टमर परेशान होता है, वो कस्टमर दुकानदार को चिल्लाता है, क्या तुम्हारी कंपनी, अरे वो क्या करेगा, उसको पैसे नहीं, वो क्या करेगा. स्टूडेंट्स को क्या लगेगा, स्वप्निल पाटनी को पैसे मैंने दे दिए, अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुए. अरे उसके उसमें पैसे नहीं आए, वो पेमेंट गेटवे के पास पड़ा हुआ पैसा, वहां से कन्फर्मेशन ही नहीं आया हुआ मुझे, तो हाउ कैन आई डिस्पैच द प्रोडक्ट इफ इट इज नॉट कन्फर्म बाय द. तो इसलिए हमारा सिलेबस कह रहा है इवन पेमेंट गेटवेज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. Payment gateways, yeah. Sir, if it's just peanut money, then it'll be okay, sir. But still, for our classes too, we have to pay a considerably much more greater amount. So there'll not be money with people to get it debited two times. Sometimes it's like that, sir. Error. So you think? No, sir. Like if the money, the transaction amount is much bigger for the ordinary, what is it, client. So EMI chahiye na? You are saying that. You think credit facility chahiye na? No sir, not credit facility sir. If the error sir, error in payment gateway. Achha, error. Okay. Thank you so much, Mr. Chennai. Thank you sir. You are getting 50. Thank you so much. Okay, dosto, aap kuch kehna hai? Bahut log bahut kuch hai. Aaja chal. Agar yahan pe dekhte hai, main aapko answer bolunga ya aapke dimag mein kuch hai? Boliye. क्वालिटी कंट्रोल, मतलब लोग बहुत बार ऐसे डरते हैं कुछ गुड्स मंगाने के लिए, मोस्टली इंडिया में, कि मतलब जो मैंने ऑर्डर किया है वो सही आएगा नहीं आएगा, मैं पहले ही पैसे दे रही हूँ. हाँ. क्योंकि ऑर्डर करने के बाद, ऑर्डर लेने के बाद फिर हम पेमेंट, मतलब सीओडी होगा तो हम पहले पैसे देते हैं उसके बाद ऑर्डर ओपन करते हैं, तो ऑर्डर कैसे आएगा वो मतलब देखने के लिए लोग डरते हैं मोस्टली. और फिर अगर मैंने कोई कपड़ा बाय किया है तो वो कपड़ा मतलब हमको फील करने को नहीं आता कि वो बराबर है, सही क्वालिटी. क्या होना चाहिए फिर क्वालिटी? अमेजोन ने, और मतलब अमेजोन कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, मतलब अभी बीच में आपका बोलना है कि क्वालिटी चेक होकर ही डिस्पैच होना. और ठीक है, और फिर बीच में अभी एप्पल का किसी ने प्रोडक्ट मंगाया था तो हैकर लोगों ने उसकी जगह पे एप्पल भेज दिया था, ओरिजिनल एप्पल, आप देख सकते हो गूगल पे है वो. ऐसे एग्जांपल्स, बिल्कुल ऐसे फ्रॉड्स होते हैं. हमारा प्रश्न है कि अगर हमें ई कॉमर्स को भारत में आगे ले जाना है, 15 करोड़ से 100 करोड़ करना है, मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए. आईसीआई का मानना है कि अगर आपको ये अच्छा करना है तो आपका टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपके क्लाउड सिस्टम को अच्छा काम करना जरूरी है. हाँ. क्या आप इस बात को एक्सप्लेन करना चाहोगे? इंडिया में क्लाउड बहुत अच्छा होना जरूरी है. हाँ सर, बराबर. क्लाउड मतलब कितना स्टोरेज है अपने पास, मतलब कितना. चलो मान लो क्लाउड ही बंद हो गया तो फिर मतलब कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर मैंने ऑर्डर किया? नहीं, ऑर्डर होगा ही नहीं. हाँ तो हाँ वही, कि अगर स्टॉक कितना है वो ही पता. नहीं 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 नहीं. हाँ सर बराबर, टेक्नोलॉजी नहीं है तो मतलब क्लाउड नहीं है तो फिर अमेज़न कैसे चलेगा? हाँ दैट्स व्हाट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि ई कॉमर्स इंडिया में सही चलना है तो वेबसाइट ढंग से कब खुलेगी जब ये क्लाउड सिस्टम सही चलेगा?
बोलते इंडिया में स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑफ द क्लाउड सिस्टम, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके हार्डवेयर, जिसकी वजह से वेबसाइट आपके लैपटॉप पे दिखती है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छी होना जरूरी है। तो इंडिया में कौन सी चीज अच्छी होनी चाहिए? एक, जब इंडिया में इंटरनेट अच्छा होगा तो ई कॉमर्स बहुत बढ़ेगा, नंबर वन। दूसरी बात, इंडिया में कुरियर अच्छा होगा तो इंडिया का ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ेगा। तीसरी बात, इंडिया में लोगों का पेमेंट अटकेगा नहीं, फास्ट फास्ट पहुंचेगा, दुकानदारों को भी मिलेगा, इंडिया का ई कॉमर्स बढ़ेगा। और चौथी बात, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, सब कुछ इंडिया में बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके इंडिया में ई कॉमर्स बढ़ेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको जवाब देना है, क्या इंडिया में आपको लगता है क्या ऐसे कि भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने नेटवर्क्स लगाने चाहिए अच्छे, फिर और मतलब इंटरनेट वगैरह सब जगह पे कनेक्शन रहना चाहिए, गवर्नमेंट में मोस्टली प्रमोट करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस को। कहते हैं कि गवर्नमेंट का आ जाइए, हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, हाँ आप कुछ गवर्नमेंट के ऊपर दो शब्द बोलना चाहती हैं? नहीं आप बोलिए, सब ऐसे चलते रहते हैं। अब मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे कि गवर्नमेंट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाते हैं, गवर्नमेंट जो जीएसटी टैक्सेस लगाते हैं उन पे, उस पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो जो भी कुछ सोल्ड होते हैं वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल चीजें नहीं बेचनी चाहिए ऑन अमेज़न या जो भी ई कॉमर्स साइट्स है। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो भी मर्चेंट्स बेच रहे हैं। एक मिनट, मैं मुद्दे से भटकना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर भारत की बहुत जागरूक हो जाएगी तो कहते हैं ई कॉमर्स आगे जाएगा, तो आपने एक बात कही लीगल कुछ कहा, एक बार रिपीट करेंगे, गुड्स जो भी गुड्स सोल्ड हो रहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल चीज सोल्ड नहीं होनी तो गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, उस पे बैन लगाएगा। और इसलिए आज भी इंडिया में दारू ऑनलाइन नहीं मिलती, कोई भी सुट्टा आप देख रहे हो, आप भी कभी पिस्तौल चाहिए ऑनलाइन, AK-47 ऑनलाइन ऑर्डर, घर पे होम डिलीवरी नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे बियर ऑनलाइन, दारू ऑनलाइन नहीं चलता है, आती है बेटा, वो जो आती है वो बहुत चुपके चुपके से आती है। आज भी प्रोस्टिट्यूशन का कोई भी बिजनेस ऑनलाइन नहीं चलता, व्हाट चलता है, किधर चलता है, और तुझे क्या मालूम है, मैं बोल रहा हूं प्रोस्टिट्यूशन ऑनलाइन नहीं चलता, बोलते चलता है सर, कहां देखे आपने, और बच्चों को बताइए कौन सी वेबसाइट है। ठीक है भाई साहब, इनका बोलना है गवर्नमेंट ने अपनी जगह पर बहुत सही कदम उठाना जरूरी है, ये सारी जो चीजें इलीगल वेपन्स नहीं बिकना चाहिए। आप बताइए एक और चीज गवर्नमेंट की ओर से उम्मीद है, अगर आप बोल देंगे तो, भारत में आज भी लोगों का विश्वास जो है ई कॉमर्स के प्रति एक, मैं लूट ना जाऊं, मैं पैसे दूंगा मैं बर्बाद हो गया तो, मेरे गुड्स नहीं आए तो, ये लोगों के दिल में जो डाउट है, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इसके लिए? सिक्योरिटी पे काम कर सकती है, और जैसे और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? सोचो आप सही ट्रैक पे हो, लोगों को डर लगता है मेरे पैसे जाएंगे पर गुड्स नहीं आएंगे, टैक्स लेवी कर सकते हैं, और पैसे दिए गुड्स नहीं आएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करेगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, ई कॉमर्स पर डर नहीं लगेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे कि और क्या करेंगे, एक बताओ ना, रूल्स आगे थोड़ा सा एक वर्ड आगे, आगे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, वैसे एक शब्द और बढ़ा देता हूं उसमें, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज लॉ बनाएगी, लॉ, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर भारत में ई कॉमर्स के ऊपर लॉ बना दिए ना, तो कोई भी इंसान कस्टमर के साथ में चीटिंग नहीं करेगा। आज भी भारत में ई कॉमर्स के ऊपर उतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है, दुकानदारों को कस्टमर को लूटने के लिए डर नहीं लगता। अगर हमारे पास में यूएसए जैसे लॉ आ जाए ना, तो हर दुकानदार कस्टमर के साथ में इज्जत से पेश आ जाएगा ऑनलाइन पे भी। कई बार ऐसा तो यू बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन बट यू डू नॉट गेट डिजायर्ड सर्विसेज,
तो इसलिए बोलते हैं भारत में गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक दिस मिशन कामयाब. ओके, क्या नाम है जी आपका? सृष्टि. हाय सृष्टि, कहाँ से हैं आप? बिहार. सृष्टि फ्रॉम बिहार के लिए भी एक बटालिया, इनको भी मिलते हैं 50 रुपए आज के, 50 रुपीज चेन्नई एक्सप्रेस 50 रुपीज यहाँ पे मिल रहे हैं. यशराज 100 रुपीज है, आगे जा रहे हैं. आपका नाम क्या है? साक्षी 50. हाँ बोलिए, आप कुछ पॉइंट बोलना चाहती है तो. सेलर्स और मर्चेंट्स. हाँ, वो क्या बोलना चाहती है उनके बारे में, सेलर्स के बारे में? उनका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए. कि अगर किसी ये पॉइंट इन्होंने सही पकड़ा है, वे वापस जीतती है 50 रुपए में, वापस से कह रहा हूँ. मिस बिहार कह रही है कि सर सेलर्स ने भी सही ढंग से काम करना चाहिए. अगर सोचिए हमें, एक मिनट रुकेगा, अभी इन्होंने कहां से प्रोडक्ट बाय किए? बोट से. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बोट नाउ? लोगों का विश्वास कब टूटेगा और कब नहीं टूटेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और उनके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं. अब वो बहुत डिले कर रहे हैं उसको डिस्पैच करने में. अब 10 दिन डिस्पैच करने में लग जाएंगे तो 1 महीने बाद आएगा वो प्रोडक्ट, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी शायद. उनको बहुत सही आंसर है, खत्म ही आंसर. ये आंसर वही कह रहा है कि भारत देश में जितने भी दुकानदार जो ऑनलाइन पे आए हैं वही इस मार्केट की इज्जत खराब कर सकते हैं और वही बढ़ा सकते हैं. अगर इनका अनुभव पहले बोर्ड के साथ में अच्छा नहीं रहा ना, दोबारा आप 10 बार सोचो कि बाई करें या नहीं करें. तो इसलिए बोलते हैं सप्लायर्स आर सपोज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. उन्होंने टाइम पे डिलीवर करना चाहिए, लोगों को अच्छी क्वालिटी देना चाहिए, लोगों को लूटना नहीं चाहिए, मोर ओवर खुद भी लूटना नहीं चाहिए. थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि वो कुछ भेजा कुछ आया. आपको पता है लोग कैसे चूना लगाते? यू मस्ट नॉट हैव, यू माइट हैव हर्ड, लोगों ने, एक बंदे ने पता है क्या क्या किया, अमेजोन को 70 लाख का चूना लगाया था. अमेजोन चूना लगा था, इसलिए अमेजोन को लगाया. ये आईफोन बाय करता था और बाद में रिमोट भेजता था वापस, खराब रिमोट. और क्या बोलता था? अमेजॉन कंपनी मेरे साथ चीटिंग कर रही है. और वो अमेजॉन को मेल भेजता था, अगर तुमने मेरे, आपने, मैंने आपसे क्या बाय किया, तुमने मुझे क्या दिया, रिपोर्ट. वो फोटो निकाल देता था कि क्या दिया मुझे. और वो बोलता था मैं अमेजॉन को डिफेमेशन केस डाल दूंगा, आप इज्जत से मेरे आईफोन भेजिए. एक्चुअली अमेजॉन ने अमेजॉन से आईफोन भेजा ही था, इसने आईफोन बाजू में निकाला और रिमोट बता रहा. अब अमेजोन को लगा है लोग ऐसा नहीं कर रहे. अमेजोन यूएसए में था पहले, पहले अमेजोन नया था, उसको क्या मालूम इंडिया में इतने चमत्कारी लोग हैं. अमेजोन को पता ही नहीं कि इंडिया में क्या गेम होता है. अब अमेजोन की सोच जा खत्म होती है वहां अपनी जा. वो बेचारे को लगा लोगों के अमेजोन सॉरी का मेल भेजा उसको, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल द कन्वीनियंस. अब वो इनकन्वीनियंस के लिए अमेजोन सॉरी बोलता है. एक्चुअली हवले ने चुना लगा है और इसने एक आईडी से नहीं, नहीं नहीं, इसने तो धंधा बना दिया ना उसका, बाय करने का आईफोन, फिर पत्थर भेजने का, फिर रिमोट भेजने का. बोले आपने मेरे क्या कर दिया, आपके विंडोज ने क्या कर दिया. अमेज़न करता है यार सच में कितना गलत कर रहे हैं हम लोग. तो अमेज़न उसको बोलता है वी आर वेरी सॉरी, हम आपको बोले. इसने आईफोन निकाल दिया घर पे और सेकेंड आईफोन आ रहा है इसके घर पे. एक बार बाय करता, दो दो बार 69 लाख का चूना लगा है. 69 लाख किसको बोलते हैं? इतना बड़ा 70 लाख का चूना लगा दिया इस बंदे ने अमेज़न को. इसलिए कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में अगर आगे जाना है तो सप्लायर्स को भी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, मतलब लोग इंडिया में उनको लूटते रहेंगे, एक समय पे आ जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे ई कॉमर्स के चक्कर में. तो सेलर्स शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. क्या नाम है जी आपका? सृष्टि. सृष्टि फ्रॉम बिहार के लिए तालिया, इनको मिलते 100 रुपीज हमारी ओर से. थैंक यू सो मच. एंड आपका समय आ गया है, आपको सिर्फ इधर आइए, आपको हम पॉइंट दे रहे हैं. यहां पे आईसीआई ने यूजर पॉइंट दिया है, यूजर. आप लोग सभी लोग आएंगे 4.25 पे, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सभी पॉइंट्स वहां पे ही है. ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया. हम आपसे सवाल पूछे, इस शो पे बने रहिएगा. 4.25 पे आप आ गए, 4.25 इधर देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर. सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 4.26 पे आइए. क्या लिखा है? 26 पे पहला पॉइंट सेलर लिखा हुआ है, फिर गवर्नमेंट लिखा है, नेटवर्क लिखा है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड, लॉजिस्टिक यानी कुरियर, और पेमेंट गेटवे यानी कि पेमेंट गेटवे. सारे जो पॉइंट्स देखे ना, कौन से लोगों ने मिलके अच्छा काम किया तो भारत देश में ई कॉमर्स आगे जाएगा. एक बार सभी लोग ध्यान दे. सबसे पहले यहां पे 4.26 पे पॉइंट लिखा था सेलर. सेलर ने क्या करना चाहिए? उन्होंने खुद के बचाव के लिए भी पॉलिसी बनाना चाहिए और एट द सेम टाइम लोगों को अच्छी सर्विस देना चाहिए, टाइम पे पहुंचाना चाहिए.
ओके, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको? उन्होंने सही टैक्स लगाना चाहिए और इलीगल को बंद करना चाहिए, अच्छे अच्छे लॉ लाना चाहिए इंडिया में। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर रहने के लिख दो आप जियो, क्या जियो से क्या उम्मीद है बेटा? जियो से क्या उम्मीद है ई कॉमर्स में? नेटवर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल, जितना ही इंटरनेट अच्छा भारत देश में होगा, गांव गांव लैगिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चलना चाहिए। बिल्कुल, तो जितना इंटरनेट भारत में अच्छा रहेगा उतना ई कॉमर्स। उसके बाद में टेक्नोलॉजी, यानी कि किससे उम्मीद है हमें? अमेजॉन क्लाउड से या जितनी भी क्लाउड कंपनीज है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये सारे जो जितने भी यहाँ लिखा ना टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल अंडरलाइन करो क्लाउड, तो जितने भी क्लाउड कंपनीज है उन्होंने क्या करना चाहिए? क्लाउड ने क्या करना चाहिए? सर्वर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे सर्वर बनाना चाहिए कि लोगों की वेबसाइट तुरंत खुले। तो जितना क्लाउड भारत में अच्छा होगा, आगे बोलो, उतनी वेबसाइट जल्दी से खुलेगी। और सर्वर ज्यादा जगह पे होना चाहिए, ज्यादा जगह पे होना चाहिए, जल्दी खुलना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। लॉजिस्टिक के बारे में कुछ बोला था मैंने, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, कुरियर सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लोगों को टाइम पे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी की शादी है और शादी के लिए जोड़ा मंगवाया था, बोले वी आर वेरी सॉरी, शादी के तीन बात पहुंचा, ओवर आर एक्सट्रीमली सॉरी, अब क्या करेंगे, अगली बार पहन लेना। दोस्तों, इसलिए कुरियर सर्विसेज का अच्छा होना जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, बताओ पेमेंट गेटवे अच्छा होना चाहिए इंडिया में, वरना पेमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो दुकानदार को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगा यार मैं गुड्स तो बेचता हूं पैसे ही नहीं मिलते, तो इसलिए वो ई कॉमर्स नहीं करेगा। अब एक लास्ट पॉइंट है जो आपको जवाब देना है, यूजर, उसमें मैं पढ़ता हूं आप जवाब देना। ओके, क्या नाम है जो आपका? निशा। कहां से है आप? लातूर। निशा फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र, इस समय हमारे शो में मौजूद है। निशा जी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द जेन्युइन यूजर इज यूजिंग ई कॉमर्स एम कॉमर्स। देयर इज अ रिस्क इफ द यूजर अकाउंट्स आर हैक्ड, हैकर्स बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो बोल रहा है कि सही समय पे तो अगर ई कॉमर्स को अगर आपको आगे ले जाना है तो हम जैसे यूजर की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमने ही अपना बचाव करना चाहिए हैकर से। वापस आई रिपीट, बोलता है कि लोग लूटते नहीं है, लुटवाते हैं। हमारा जो अकाउंट हैक होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही होती है जिसके लिए लोग लूट लेते हैं। पर जो बहुत ही सच में द पीपल आर वो आर वेरी नो वेरी प्रोटेक्टिव, हु आर टेकिंग ऑल द मेजर्स, उनको लूटना बहुत मुश्किल है। तो बताओ आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? अगर ई कॉमर्स को आगे जाना है तो हम जैसे लोगों से क्या उम्मीद है? सर, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हाँ, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, बार बार बदलना चाहिए। और अच्छा एक सवाल, क्या होगा अगर हम लुटते चले गए तो? सब लुट गया, इसका अकाउंट हैक हो गया, इसके पैसे थे, उसने जीपे नंबर डाला, वो चले गया, सब चले गया, सब लुटने लगे, जेन्युइन यूजर्स नहीं रहेंगे। मतलब फिर धीरे धीरे संख्या, लोग यही बोलेंगे यार नहीं रे भाई ऑनलाइन नहीं बाय करता मैं, लुट रहा हूँ, नहीं रे भाई, हालांकि लुट रहा हूँ नहीं, वो लुटवा रहा है। तो धीरे धीरे करके आबादी में क्या लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ई कॉमर्स बाय नहीं करना, लुट जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ई कॉमर्स में आप जैसे नागरिक को जागरूक होकर अपने पासवर्ड्स को बार बार चेंज करना पड़ेगा, आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी लुटना कम हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग फुल बिलीफ ऑन ई कॉमर्स सिस्टम। जो वेबसाइट है उनको भी ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे समझता है कि कौन से जेन्युइन अकाउंट्स है, उन्होंने भी करना चाहिए ना चेक करने के लिए। तो आप बताएंगे निशा जी, कौन से सात यहां पे वो है, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स है जिसके से ई कॉमर्स भारत में बहुत तेजी से चलेगा। फिलहाल 15 करोड़ लोग हैं, आने वाले समय में अगर पूरा इंडिया ई कॉमर्स पे आ गया तो समझ जाना इंडिया विल बी लाइक यूएसए, जहां से ई कॉमर्स की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। बताएंगे सात पॉइंट कौन से, एक बार सभी लोग बताएंगे साथ साथ में। नंबर 1, यूजर ने अच्छे से काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताएंगे, सेलर ने यानी कि अच्छे पॉलिसीज बनाना चाहिए, लोगों को टाइम पे पहुंचाना चाहिए, खुद का लूटना कम करना चाहिए। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने अच्छे टैक्सेशन के पॉलिसी लाना चाहिए, इलीगल वेपन्स को बंद करना चाहिए, अच्छे अच्छे लॉ लगाना चाहिए। एयरटेल और जियो ने अच्छा काम करना चाहिए। नेक्स्ट बताए, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने अच्छे क्लाउड बनाना चाहिए। और बताएंगे इंडिया में कुरियर सर्विस अच्छी होना चाहिए। और लास्ट में लिखा है पेमेंट गेटवे भी अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ होगा तो इंडिया में एक दिन ई कॉमर्स रंग लाएगा, बहुत बड़ा एक्सपेंशन होगा। निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोल रही थी, थैंक यू सो मच। मेरे पास और एक पॉइंट है, गवर्नमेंट
बोले बिल्कुल सर, ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करना चाहिए लाइक इवन टुडे इन वीकर सेक्शंस एंड इन रूरल सेक्शंस पीपल डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स सो एंड द ओल्डर जनरेशंस मोर स्पेसिफिकली सो प्रोग्राम शुड बी अरेंज सो दे टू टीच देम द नो हाउ टू राइट राइट टू यूज देम राइट तो इनका बोलना है कि हमने अवेयरनेस सेशंस लाना चाहिए ट्रेनिंग देना चाहिए बिल्कुल अगली बार हम लोग जब सिलेबस में अमेंडमेंट आएगा तो इस पॉइंट को जरूर डालेंगे क्योंकि ये पॉइंट टू बी नोटेड है थैंक यू सर निशा जी तुम्ही फार अतिशय चांगला बोललात थैंक यू सर आणि मंडळ आभारी आहे तुम्ही इथं आल्याबद्दल असंच येत रहा आणि आम्हाला सपोर्ट करत रहा थैंक यू सो मच हे गाइस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वेलकम बैक आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट प्लीज आज कोई ब्रेक नहीं आई एम ऑन पेज नंबर 4.31 प्लीज डोंट शाउट लाइक दिस आई डोंट लाइक बिकॉज देर आर पीपल हु आर हियर एंड मे कम हियर बिकॉज आप जानते हो यहां पे कुछ दुकानदार लोग हैं जिनकी दुकानें ठीक नीचे हैं आपके शोर से वो कावरा बावरा हो जाते हैं ठीक है आप लोग शोर ना करें शांति बनाए रखे मुझे अगला कौन से पढ़ा दे सुनिए जरा इज्जत दो 25 साल से मैं ही पढ़ा रहा हूं अभी 10:26 हो रहे हैं ब्रेक लेके 10:40 हो गए फिर मुझे 20 एक काम करो ना मैं आपको वैसे ही 5 पहले जल्दी छोड़ दूंगा कुछ बोल रहा हूं तो अच्छा ही बोल रहा होगा मैं एक मिनट रुके आप बताओ क्या ही कर लोगे 10 में जाके अब तो खाओ ना खाना है तो बस थोड़ा मैं जल्दी छुड़वा दूंगा नहीं क्या हुआ आपकी बातें सुनाई नहीं देती मुझे सुनो ना मत टाइम वेस्ट करो यार आप सुन अरे कुछ नहीं होगा जाके यार होगा सर क्या होगा 10 में 5 में आप मेरा ही टाइम वेस्ट होगा यार आप एक बात बताएं तो फिर ऐसा करते हैं आपको अभी 10 का ब्रेक दे लो फिर मैं 11:15 तक पढ़ाऊंगा फिर हर्षद सर के लिए आप ब्रेक मत लेना फिर तुरंत ही क्लास चालू कर देना एक बार डिसाइड करो फिर अर्षद सर बोलेंगे कि सर आपने लेट छोड़ दिया फिर मेरी क्लास लेट चालू है अरे यार तुम लोग किस चीज के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो मुझसे अभी कितने लोगों को ब्रेक चाहिए अभी कितने लोगों को ब्रेक चाहिए कोई नहीं सर थैंक यू सो मच गाइस दोस्तों आई एम हियर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन सेकंड हम आपको समय से छोड़ देंगे आप ऑडिट के पहले वाला ब्रेक आपको थोड़ी देर में मिल ही रहा है पेज न हाँ हाँ दे देंगे आपके लिए 5 कोई बात है जिंदगी दे रहे हैं कमाल करते हो आप मित्रों जिंदगी में 4.31 पेज नंबर है जिसमें लिखा है गाइडलाइंस ऑफ ई कॉमर्स अगर आप ई कॉमर्स को ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है ये क्वेश्चन जो लोग वेबसाइट बना रहे ले हैं उनके लिए है दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर दोज गाइज हु आर एंटरिंग इनटू द ई कॉमर्स बिजनेस पेज नंबर 4.31 सभी लोग ध्यान दे इज्जत से 4.31 पेज पे हूं मैं इस समय गाइडलाइंस नाम का क्वेश्चन दिया हुआ है आर यू देयर गाइज कम ऑन पता है क्या वो क्या बोलते हैं अगर आप ई कॉमर्स के धंधे में आ रहे हो ये सब कुछ करोगे तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोग आएंगे अगर इनमें से कोई चीज आप नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पे लोग नहीं आएंगे आई रिपीट कहते हैं कि ये सब कुछ करो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोग आएंगे ये सब कुछ करते रहना जो लिखा है एक चीज है आप जानते हो लोग ई कॉमर्स आप एक काम करो अपने पापा से पूछेगा या अपने दादाजी से पूछेगा शुड वी गो एंड बाय फ्रॉम ई कॉमर्स 1 लाख की चीजें ई कॉमर्स वो बोलेंगे इधर वो दादाजी को उसमें डंडा होगा महिला मारेंगे
वो बोले चल दुकान पे. He will ask you to go to the shop. Let's go. Let's physically inspect. Then buy it. क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम. What does the product? ए छोटा भीम. No touching बेटा. But I love you seriously. हाँ. कैसा है? हाँ. ये मुझे ऐसा ऐसा गोलू गोलू जैसा लगता है. ए छोटा भीम, छोटा भीम चल पढ़ते हैं. ए दिनेश तू क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट करना. हवला है क्या? इधर देख. पता है आपको, अगर हम अपनी, कभी कभी होता है ना बिजनेस में, आप लोग को लग रहा है कि बहुत बार हम लोग जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो अपने घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं बाय करते, दुकानों से करते. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और यू आर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, दे डोंट वांट यू टू गो ऑन. यहाँ तक कि हाल ही में मैंने अपनी मम्मा को कहा यार कुछ कुछ चीज़ें जो घर में बार बार से फिजिकल कुछ आपको लगता है ये, उसके लिए इतने दूर स्टोर पे जाओ लाओ. एक काम करो ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दो मम्मा यार. अब इसके लिए नहीं नहीं वो उनका ये नहीं नहीं बार्गेनिंग का तो ठीक है. उनको क्या लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कब आएंगा, फिर उनको लगता है खराब ही आएगा उनका सबसे. अब क्या हुआ हाल ही में, मेरे मम्मी ने बहुत ज्ञान दिया मेरे को. क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन तो ऑर्डर कर दिया, वो वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था. तो घर में एक प्रोडक्ट चाहिए था, मुरमुरा चाहिए था, मुरमुरा. अब वो मैंने बोला अब वो क्या, तो कहीं तो बाहर जाना था उनको, वो चिवड़ा बनाने का था. तो मैंने कहा यार वो कहाँ, कौन जाएगा मम्मा, वो ड्राइवर को भेजेंगे, वो कहाँ जाएगा कहाँ से. काम करते लेट्स ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिन. तो मम्मा ने मुझे चार बार ज्ञान दिया था मत बाय कर, वो वैसा नहीं आएगा. तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया. वो चीज़ बहुत सस्ती थी वैसे, इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, 100-200 का प्रोडक्ट होगा. वो आया पर वो सच में बहुत वाहियात आया. वो 100 रुपए में मैंने 100 बातें सुनी हुई. इतना बजा है मेरे को, आपको समझ नहीं आता ना. और आपको जो चीज़ की समझ नहीं आप करते क्यों? एक तो कभी मैंने आपको काम बोला, आपको वो तो आता है नहीं. ये लाया अभी सर क्या करूँ मैं, प्रॉब्लम है ना. उनका प्रॉब्लम क्या, लाया अभी तू इसको कौन खाएगा, अब तू खा. और सच में इतना पता दिखता नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या रहा? इसको फेंके कैसे, अनाज है ना, यू कैन नॉट थ्रो इट लाइक दैट. तो घर पे से मम्मी से खाना ना वेस्ट, जल्दी से बोलते ना मत खा ऐसे, मतलब वेस्ट नहीं करो, खाओ हर चीज़ को पूरा खत्म करो. ऐसे नहीं है खाने को, अनाज को, फूड को वेस्ट नहीं करते. तो अब तू खाए. तो मैंने तब मतलब क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में जो डर है, अगर ई कॉमर्स को सचमुच अगर आपको आगे ले जाना है इंडिया में, है बेबी ई कॉमर्स, इसको संभालो बेटा. अगर अगर ये बात एक कस्टमर के लिए नहीं चल रही, अगर सचमुच कोई वेबसाइट को सच में ई कॉमर्स में अपनी वेबसाइट को आगे ले जाना, तो उसने लोगों को क्या जाना चाहिए, एक सिक्योरिटी फील करवाना चाहिए कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे आओगे तो हम आपको लूटेंगे नहीं. अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो, आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, तो सबसे पहले आप उसको रिटर्न वाली पॉलिसी कर दो. ये मानते हो कि नहीं? तो आधा टेंशन मम्मी जैसे लोगों का वही खत्म हो जाएगा. हम बाय करें खराब तो रिटर्न तो होगा. तो इसलिए बोलते हैं कि वेबसाइट अगर आपको चलाना है, आपके लोगों मतलब दुनिया आपकी वेबसाइट पर आए, तो सबसे पहले इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अच्छी नहीं आएंगी. और दूसरे लोग तो लगता है अच्छी आएंगी पर टाइम पर नहीं आएंगी. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है लोगों का? लोगों को लगता है देखो दुकानों पे क्यों जाते हैं लोग जाते हैं और चीजें वही मिलेंगी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी. यू गेटिंग दिस? हे गाइस कम ऑन. पर वेबसाइट का प्रॉब्लम क्या है, वैसी मिलेगी कि नहीं? इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको यहां पे रिटर्न वाला पॉलिसी लगाना चाहिए. अगर इफ इनकेस यू आर नॉट हैप्पी, यू शुड बी एबल टू रिटर्न इट बैक. इसीलिए दोस्तों आजकल कोई भी वेबसाइट पर जो आपको रिटर्न का पॉलिसी होता है, होता है कि नहीं होता है? दूसरी बात है, आपको यहां लिखी है जब आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको ये टेंशन होता है ये कब आएगा कब नहीं आएगा. इसलिए शादी की शॉपिंग कभी भी ऑनलाइन नहीं करते लोग. कभी देखना शादी की शॉपिंग, मम्मी को बोलना घर में दीदी की शादी, बोलना एक काम करते ऑनलाइन. ए हौला है ऑनलाइन, आप यही काम बचा है. वो क्या बोलेंगे शादी, आप इमेजिन करिए, एक्सपीरियंस करिए. आपने कभी शादी का शॉपिंग, बहुत रेयर केस में आपका कुछ कहता शर्ट ऑर्डर, पर जो मेन चीज है वो बोलेंगे चलो दुकानों पे, ये आएगा नहीं आएगा. आप शादी का जो मेन जोड़ा है आप बोलो ऑनलाइन मंगवाते, और जब तक नहीं आएगा इधर धक धक चलता है, आया नहीं आया नहीं आया नहीं. वो दुल्हन क्या पहनेगी?
तो इसीलिए दूसरी बात है यहाँ पे याद रखना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अभी हमने अमेजोन पे बाय किया था, वहां पे लिखा था डिलीवरी कितने दिन में आएगा, इसीलिए वेबसाइट वही चलेगी जहां पे कितने दिन में डिलीवर होगा इसका डेटा पूरी तरह से क्लियर होता है। तो ये किसके लिए, आपके लिए नहीं चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है क्वेश्चन? जो कंपनीज ई कॉमर्स में अपना जलवा बिछाना चाहती है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, लोगों को रिटर्न वाला ऑप्शन देना चाहिए, यह भी बोलना चाहिए कि डिलीवरी कितने दिन में आएगा, उसमें ऑप्शन देना चाहिए, फास्ट चाहिए, इतने पैसे दो तो इतने दिन में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो वेबसाइट्स बनाते हैं, एंड यूजर के लिए नहीं चल रहा है, जिनको ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत पता है। ये जितने भी पॉइंट लिखे ना अमेजॉन की वेबसाइट पे आपको हर कोई पॉइंट मिलेगा। अमेजॉन ने एग्जैक्टली उसका वेबसाइट ऐसी बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। वो बोल रहा है प्रोडक्ट का गारंटी भी देना चाहिए, स्पेशली यू आर बाइंग मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आप घड़ी बाय कर रहे हो तो उसकी गारंटी वहां पे होना चाहिए। बताओ क्यों? अरे लोगों को यही लगता है वो ऐसा नहीं आएगा, गारंटी भी तो कोई चीज होती है, इसलिए लोगों का पहले तो भरोसा नहीं है। तो भरोसा कैसे जीतेंगे? आप रिटर्न दे देना, हम आपको गारंटी देते हैं। अगर ये सब चीजें ऑनलाइन आएंगी तो लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी को क्या कन्विंस करेंगे, देख मम्मा खराब आया ना तो वापस कर देंगे, पापा को बोलेंगे देखो खराब आया ना वापस तो करेंगे, और सबसे पहले खराब तो आएंगे ही नहीं ना, गारंटी दे रहा सामने वाला। तो इसीलिए सारी चीजें वेबसाइट पे होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक वहां पे जब हम लोग बाय करते हैं तो पेमेंट सिस्टम्स के मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। तो इसलिए आजकल के अभी हमने जब अमेजॉन पे देखा, उन्होंने यूपीआई नहीं, उन्होंने सीओडी भी ऑप्शन दिया, यूपीआई भी दिया, डेबिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, नेट बैंकिंग दिया। वो बोलते वेबसाइट वही चलती जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हो, वो वेबसाइट कम चलती जहाँ पे एक ही ऑप्शन हो। कुछ कुछ वेबसाइट सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लेती है। अरे किसके पास क्रेडिट कार्ड होता है यार, 100 में से एक बच्चे के पास नहीं होता क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब वो वेबसाइट चलना चाहिए जिसके इसमें मल्टीपल ऑप्शंस का वहां पे डेटा मेंटेन होना चाहिए, राइट? ये क्वेश्चन किसके लिए? जिन वेबसाइट्स को बहुत पॉपुलर बनना है उन्होंने ये सब चीज रखना चाहिए, तो उनकी वेबसाइट पर लोग आएंगे। एक बात वो कहता बिलिंग ऐसा बना के दो तो जिसपे जीएसटी से लेकर लोगों का सब डेटा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीएसटी का क्रेडिट इनपुट चाहिए रहता, समझ आ रहा है? बोलता बिलिंग ऐसी बनाओ एज पर द लॉ बनाओ, उसका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, उस पर सारी डिटेल्स होना चाहिए। जिस दुकानों का बिल अच्छा निकलता है लोगों का विश्वास भी, क्योंकि देखो जब फिजिकली शॉप करते हो तो आपको प्रॉपर चिट्ठी मिलती है स्टैम्प थप्पे के साथ में, तो आपको विश्वास बढ़ता है ये सही मिल। आप जब भी बाय करते हो पापा ही पूछेंगे भैया बिल बना, वो बिल उनके डॉक्यूमेंट। अगर आपने फ्रिज बाय किया तो आपको एक बिल मिलता है, उसका वारंटी कार्ड मिलता है, यू गेट मी? तो वैसा अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे और आपको अगर बिल नहीं मिलता तो घर वाले क्या बोलेंगे, भाई ये खराब हो तो क्या करेगा तू? तो इसीलिए बिल मिलना चाहिए। तो बोलता है जैसा बिल आपको फिजिकली चीजें बाय करने पर मिलता है, ऑनलाइन पे प्रॉपर सी वो सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, और बिल तो वैसे ही मिलना चाहिए जिस पे जीएसटी का नंबर होना चाहिए, उनका आपको शॉप एक्ट नंबर होता है वो होना चाहिए, मतलब वो ऑथेंटिक फील होना चाहिए कि सच में हमने कोई ओरिजिनल जगह से परचेस किया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब जैसे बोट का हमने बाय किया तो आपको ईमेल आईडी पे वो वाकई में बिल आना चाहिए, उससे क्या होगा आपको लगेगा कल्चर कुछ खराब हुआ तो मेरे पास बिल तो है, नहीं तो बिल ही नहीं तो आप कहां जाओगे, किससे झगड़ा करोगे? तो बोलता प्रॉपर बिल होना चाहिए फॉर्मेट के साथ में। और लास्ट में लिखा शिपिंग, आपको पता शिपिंग का मतलब क्या? शिपिंग और डिलीवरी फर्क समझता है? डिलीवरी मतलब कितने दिन में घर पे आएगा, और शिपिंग मतलब शिपिंग टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग, द पैकिंग एट द टाइम ऑफ शिपिंग, ऑल दिस नीड्स टू बी। और ये डिलीवरी और शिपिंग में फर्क नहीं समझ में आया। शिपिंग मतलब डिलीवरी के पहले, डिलीवरी यानी कि वेयर हाउस से उठा के आपके घर पे। शिपिंग मतलब वो नहीं होता, शिपिंग मतलब चलो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ शिपिंग का मतलब होता। शिपिंग मतलब जैसे आपने टीवी बाय किया, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड 8 दिन में, वो आप बोलोगे इसका शिपिंग यानी कि पैकिंग कैसे होता है इसका, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बाय करूंगा टीवी आ जाएंगे ग्लासेस टूट फूट के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि जब हम लोग बाय करें तो चीजें जैसे हमने बाय करी है वैसे है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि वे पैकिंग कैसे करते हैं। इसलिए बहुत सारी वेबसाइट पर वो शिपिंग का एक वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं कि हम ये चीज़ को पैक करें, क्योंकि बहुत सारी आइटम जो तो डेलिकेट होते हैं वो टूट जाएंगे फूट जाएंगे, तो इसलिए बोलते हैं शिपिंग का पूरा टाइम कितना लगता है, वो कितने फ्रिक्वेंटली पैक होता है, कौन से ट्रांसपोर्ट से आएगा, कैसे पैकिंग किया जाएगा, स्पेशली जो आइटम डेलिकेट होते हैं, वरना लोग डेलिकेट आइटम कभी बाय करेंगे नहीं, लोगों जब लेंगे टूट जाएगा फूट जाएगा तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है, क्या आपको लगता है कोई वेबसाइट पे देखने मिलेगी? अरे बोलो,
ये सारी के सारी जो चीजें हैं मैं आपको अमेजोन पे एक मिनट में दिखा रहा हूं, आप सिर्फ बताना ये सारी चीजें है या नहीं है। अरे बच्चों बताओ अरे बताओ भाई, अरे चिंटे अरे यार नेट किधर है, अरे सर अजून काही सॉफ्ट ड्रिंक तुझे। अगला प्रश्न आईफोन के लिए, सही जवाब देने पर आपको मिलेगा आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसकी कीमत सिर्फ 1,40,000 की है और आपको यहां पे देखना है कि जो जो पॉइंट्स हमने बोले थे वो यहां पे है क्या नहीं। 1,40,000 का फोन बस आपका हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। आपको सबसे पहली बात तो यहां पे लिखा था कि कोई भी वेबसाइट को अच्छा बनना होता है ना तो उसमें सारी निम्नलिखित चीजें होना चाहिए। सबसे पहले लिखा था उन्होंने डिलीवरी के बारे में लिखा होना चाहिए, पेमेंट के बारे में। क्या आपको यहां पे दिख रहा कितने दिन में डिलीवरी होगा? आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि डिलीवरी कितने दिन में होगा वो क्लियर हो जाएगा, है क्या नहीं है? अच्छा यहां पे दूसरा पॉइंट होता है कि आप जब बाई करते हो तो आपको पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस कौन थे वो वेबसाइट पे दिखना चाहिए। क्या आपको यहां दिख रहे हैं ईएमआई के बारे में दिख रहा है? आप जब यहां पे जाओगे बाई नाउ में तो बाई नाउ में क्या आपको कुछ डिटेल्स दिखते हैं पेमेंट वाले? जो भी है यूज दिस का पेमेंट ऑप्शन जाना। क्या पेमेंट ऑप्शन दिखेगा? कोई भी वेबसाइट को आपके बुक में से सारे पॉइंट्स खत्म हो रहे। एक पहला पॉइंट कौन सा खत्म हुआ? डिलीवरी। दूसरा पॉइंट कौन सा है? एक भी पॉइंट अमेज़न ने छोड़ा नहीं, सब पॉइंट डाले। इसलिए तो अमेज़न चलता भी है, वो बोलता है मल्टीपल ऑप्शंस देना चाहिए। तीसरा पॉइंट बताओ कौन सा देना चाहिए? रिटर्न। जरा देखते हैं रिटर्न के ऊपर कुछ लिखा है क्या, कोई बताएगा मुझे यहां पर रिटर्न लिखा है? रिटर्न के बारे में कुछ लिखा होगा? कहां लिखा है? कुछ रिटर्न के बारे में तो लिखा ही नहीं। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं क्या करूं? रिटर्न ही नहीं आ रहा, रिटर्न के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। कैशबैक, आपके बुक में एक रिटर्न का पॉलिसी है एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक फील इन दिस वेबसाइट इज मेकिंग यू फील मोर कंफर्टेबल। टेंशन ना लो, नहीं अच्छा लगा तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ये लिखा है रिटर्न कर सकते हो। तीन बातें बताओ कौन सी उनसे। नंबर वन, पहले कहते हैं कि आपका डिलीवरी कितने में वो बताएंगे, पेमेंट के ऑप्शंस देंगे। तीसरी बात आपको, आप बताओ सबसे पहला और कौन सा पॉइंट था इसमें? और एक आपकी बिलिंग, जब आप बाय करते हो। अभी अभी हमने जो अमेजोन से बाय किया इसके पहले, कहां है अपना बिलिंग? वो माई अकाउंट कहां है? माई अकाउंट्स में जाके मिलेगा क्या अपने को? कहां है योर ऑर्डर्स? लक्ष्मी जी कहां मिलेगा इनवॉइस बताइए? इसमें कैंसिल का भी आ रहा है? इस समय आपको दिख रहा होगा प्रॉपर इनवॉइस हमें यहां पे दिख रहा होगा, ये है आप ये इनवॉइस क्या? प्रिंटेबल ऑर्डर समरी और इनवॉइस नॉट अवेलेबल, क्या करूं? क्लिक करूं? ये
ये है आपकी प्रॉपर ऑर्डर की इनवॉइस जिससे आपको सब कुछ डेटा मिल रहा है। यहाँ पे आपको आइटम कितने का वो दिख रहा है, क्या क्या सारी चीजें जो एक बायर्स को चाहिए उसकी सारी जानकारी इस समय स्क्रीन पर है मौजूद। और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, क्या लिया, कहाँ पे डिलीवर का, इस तरह का इनवॉइस, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है। इज दैट ओके? अभी तक बताएंगे और कौन सा पॉइंट बाकी है। क्या अभी हम लोग आईफोन बाई करेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट की गारंटी नजर आएगी? मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे देखते गारंटी तो मुझे दिखाई नहीं था वैसे भी। नहीं नहीं, यहाँ पे आता है गारंटी तो आता ही होगा यार, इतना बड़ा चीज कौन लेगा इनसे बगैर गारंटी के। सोल्ड बाय, आपको ये दिख रहा है सोल्ड बाय कौन है? मतलब अमेजोन नहीं बेचता, ये अमेजोन के वेंडर होते हैं। ओके, कहाँ दिख रहा है गारंटी? विथ एप्पल केयर सर्विसेज आपको एक साल की गारंटी मिलेगी। अरे आना चाहिए ना गारंटी तो। कौन सा? अमेजोन फुलफिल्ड, यानी कि वही गारंटी होता है क्या? क्या मतलब था उसका? अच्छा वही आएगा, और नहीं आया तो फिर वो जिम्मेदार माजी। ऐसा भी था क्या? ये बोल रहे हैं बोट केस में आया था वो गारंटी लिखकर, पर इनका ये भी बोलना है फुलफिल जो होता है अगर ये आता है इसका मतलब गारंटी होता है, अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो दे विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको आईफोन के बदले कुछ और ही आ गया तो वो बोल रहे कि हम लोग इसकी जानकारी है हमें और विल यू नो टेक केयर ऑफ इट, विल गिव यू द डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑल टुगेदर। ओके, ये है आपका गारंटी। और वन मोर थिंग इज लेफ्ट शिपिंग के बारे में। वो शिपिंग यहाँ पे जनरली कब दिखती बताए? वो शिपिंग कि कैसे होगा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद पूरा कंप्लीट होने में दिखेगा? नहीं, वो शिपिंग के बारे में एग्जैक्टली मैंने एक बार एक वीडियो भी देखा था कि ये प्रोडक्ट कैसे आपको डिलीवर किया जाएगा, किस तरह की पैकिंग यूज़ की जाएगी। ये स्पेशली एक मैंने एक फ्लिपकार्ट का एक वीडियो देखा था कि फ्लिपकार्ट टीवी का ऑर्डर कैसे पैक करता है। अगर मैं देखता हूँ क्या ये आप देख सकते हो। हाँ आप यही ना, मतलब उसने कहीं तो पैक किया हुआ ना इसे। ये फ्लिपकार्ट से किसी ने 55 इंच का टीवी मंगवाया था, ये आपको शिपिंग दिख रहा है कि किस तरह से शिपिंग वो करते हैं पूरी तरह से। इस तरीके वीडियो क्यों दिखाना चाहिए वेबसाइट के ऊपर? तो बायर शुड हैव दैट यू नो सिक्योरिटी कि मैं भी मंगवाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो इसलिए इस दे आर एबल टू गेन द ट्रस्ट कि हाँ भाई बहुत लोग बाय करते हैं। इस तरह की वीडियो इन्होंने वेबसाइट पे डालना चाहिए, वो लिख रहा है कि कैसे शिप किया जाता है, कैसी पैकिंग होती है, लाइक दैट। क्या टीवी निकलेगी? बस हो गया, बताओ तो 6 पॉइंट कौन से खत्म हो गए? ये किसके लिए एक क्वेश्चन किसके लिए रखा है? ये पेज नंबर क्या है भाई? 4.31। बताओ नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पे? आपका बिलिंग यहाँ पे लिखा है। नंबर दूसरी बात क्या लिखी है? आपका बिलिंग कैसा होना चाहिए प्रॉपर जीएसटी के साथ में। दूसरी बात क्या होना, गारंटी मिलना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए? चौथी बात डिलीवरी कितने दिन में हो, क्या उसका डेटा होना चाहिए। उसके बाद में रिटर्न, अगर आपको नहीं पसंद है तो रिटर्न होना चाहिए।
और साथ साथ में पेमेंट के भी मल्टीपल ऑप्शन हो, ये सब होगा तो आपकी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा नाम बढ़ेगा, राइट एवरीवन। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे देखी। दोस्तों आपको एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो जो हमने किया है एक बार उन सबको रिवाइज करते हैं। आप बात करेंगे आज हमने शुरुआत में क्या देखा, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आप ध्यान से बताएं क्या पढ़ा हमने आज। ओके, आप लोग कभी लेक्चर बंक किया कितने दिन में, कितने लोगों ने अब तक एक भी नहीं किया? नहीं नहीं, इंटर ग्रुप टू की बात कर रहा हूं, एक दिन भी आप एब्सेंट नहीं थे। आप जानते हो आपके ऐसे कई लोग एब्सेंट रहते हैं, आपका मन नहीं करता एब्सेंट रहने का? वो कहते हैं एब्सेंट रहने का मजा अलग आता है। आपका मन नहीं होता, आपके बाजू वाले सो रहे हैं, आप यहां पे आ रहे हो, आप भी जाके मजे लीजिए। आपको क्लास में आके मजा आ रहा है? जिस मकसद से हम लोग यहां पे आए ना, वो मकसद पूरा करिएगा, है ना? ऐसे बंक वगैरह करना इसके लिए क्या है रखा है, क्या है वो सब का लिए पूरी जिंदगी है। नहीं नहीं, वो आता है रोज। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, ये अभी हमारी जो क्लास है 28 फेब तक है, अभी लगभग 2 महीने 4-5 दिन हमारी क्लास चलेगी, 1-2 दिन आगे पीछे चलेगी, 60-70 लेक्चर आपके और है, एक भी दिन मिस मत करिएगा। कल की संडे की तो आपकी छुट्टी मिल रही है, रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। ट्यूसडे से हमारी क्लासेस अब यूट्यूब पर भी नहीं होगी, तो आपके इसमें कोई बैकअप का ऑप्शन भी नहीं है। मैं कोई बैकअप देने वाला नहीं हूँ, मैं बैकअप दूंगा क्लासेस होने के बाद। लास्ट बैच में बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था मेरा, बैकअप दे दिया, बच्चे लोग आराम से घर पर देख रहे, बोले क्लास में आने का क्यों, दिखता ही तो है लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो मुझे समझ गया भाई साहब क्या कर रहे हो आप यहाँ आइए हमारे सामने पढ़ेंगे तो डिसिप्लिन बना रहेगा। अब जो नहीं आया तो उनको ऑप्शन ही नहीं हो तो वही कर रहे हैं, पर आपके इसमें ऑप्शन होकर अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे तो आपको मेरा गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम है तो आने दीजिएगा। मैं आपके भलाई के लिए आपको बैकअप नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा पर जिसका वैलिडिटी स्टार्ट होगा मेरी क्लास होने के बाद। वो इट इज़ एन इमरजेंसी ऑप्शन विच कैन बी यूज ओनली अगर आपका कुछ कोई बहुत ही प्रॉब्लम में थे आप, जिसकी वजह से लेक्चर नहीं हुआ तो बाद में करेंगे। पर अगर आप ये सोच रहे वो एक सब्स्टिट्यूट है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इज जस्ट यू नो फैसिलिटी गिवन टू द स्टूडेंट कि आप कुछ भूल जाए रह जाए, मैं आपको इनफ दूंगा पर उसकी वैलिडिटी जो है वो जो 15-20% जनरली हम लोग देते हैं, अगर 100 लेक्चर तो 20-25 लेक्चर आप देख सकते हो, देख पाएंगे पर अभी नहीं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने ग्रुप वन किया था और आप जानते क्या होता है, और वो बैकअप का अगर दिमाग में मिल गया ना बैकअप है तो इंसान पूरी तरह से एकदम ही बिकम्स रेस्ट अश्योर्ड, ये उसको लगता है कि कुछ नहीं अब जाने दो, ऐसा कुछ मैं करूंगा नहीं। सब मिलेगा आपको, पर आपको तभी मिलेगा जब आपके वो हो जाएंगे। कुछ एक्सट्रीम केस में किसी को कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है तो आप मेरे से मिले, मैं आपका जल्दी से एक्टिवेट करा दूंगा। अगर वो भी आपके इसमें जेन्युइन कॉज है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मैं दे दूंगा, मुझे वो आपके ऊपर से नहीं, आपके पेरेंट्स से बोलना चाहिए इसको अभी दे दो, पूरी क्लास बैकअप दे दो, मैं पूरी क्लास बैकअप दे दूंगा। पर आपके घर वालों को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, आप उनको क्या बोल गया कि हम लोग क्लास करना है, और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर अभी फिर क्या है वो फेस टू फेस का पैसा भरा आपने, क्योंकि आप जानते हो फेस टू फेस में फीस ज्यादा है, तो फिर आपको गूगल ड्राइव लाइव स्ट्रीमिंग ले लेते आप लोग, मतलब आप कितना बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, पैसे भर रहे हैं ज्यादा वाले, यूज कर रहे कम वाला, नॉनसेंस, कॉमन सेंस है ना। आपने 100 रुपए की चीज ली, देख रहे हैं 70-80 रुपीज वाली, ऐसा नहीं कि लाइव स्ट्रीमिंग, फिर आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग से समझता नहीं, देखो बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहे ना, समझता सब कुछ है, पर फिर आपने ये ऑप्शन लिया है क्यों, घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद, किसने बोला था आपको, आपने ये ऑप्ट करने लिए शायद से 15-20 हज़ार रुपए ज्यादा दिए होंगे इसके, फिर ज्यादा क्यों दिए थे, आप क्यों आए लाइव स्ट्रीमिंग यूज कर लो। देखो भाई आज मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, अगर आपने लेक्चर मंग नहीं किया आपके प्लानिंग में मैं आपको बोल रहा हूं, और आज भी इस क्लास में से मैं आपको तो आज पता है कितने लोग एब्सेंट है क्लास में से, 90 लोग एब्सेंट है, 90 से ज्यादा लोग ऑप्शन आज एब्सेंट है, बल्कि 100 से ज्यादा होंगे, इतने से इतने लोग एब्सेंट क्या कर रहे हैं यार, किसके साथ में,
हम लोग घर वालों के पैसों का खिलवाड़ कर रहे हैं यार। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने मस्ती करी है, पर क्लास में आके मैंने कभी लेक्चर बंक नहीं करे। मेरे को याद नहीं है कभी एक्सट्रीम केस के अलावा मैंने लेक्चर बंक नहीं करे अपनी लाइफ में, पूरे जिंदगी में। बिकॉज मुझे हमेशा लगता था यार कि मैंने पापा के पैसे लिए हुए हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत हो जा रहा है मेरे साथ में। मुझे वो पैसों की क्या बोलते हैं वो फिक्र थी कि यार अपने ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये कैसा तरीका है यार। अच्छा, जो लोग बंक करते हैं ना, आप पूछ रहे थे कि उनकी रात तक पढ़ाई भी नहीं होती ढंग से। क्या होता है ना, आप यहां पे हो तो इतना देर पढ़ाई हो जाता है, आप अकेले में इतना कंसिस्टेंटली कौन पढ़ाई करेगा, नहीं होता है। फिर कभी नींद आ जाती, कभी आप कंफर्ट लेवल में पढ़ते हो, कभी रह जाता, और फिर वो रह जाता तो फिर रह जाता। आप प्लीज मत करो यार, वैसे भी मैं आपको बैकअप दे रहा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का बैकअप नहीं। आपको बैकअप चाहिए एक्सट्रीम केस में, मेरे पास में आएंगे आप, वो भी प्रूफ, आपके पेरेंट्स का कॉल रिकॉर्डिंग, आपके पास में बीकॉम का क्या होगा वो बताओ, मैं आपको दे दूंगा। आपको बैकअप एक फैसिलिटी है, वो आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपको इतना ही लाइव स्ट्रीमिंग में देखना था तो फिर आपने, मेरा एक सवाल है, इसका फीस दिया क्यों? आपने 20-25 का क्यों चुना लगाया घर वालों को? वही ऑप्शन चूज करना था आपने। ये बेचारे कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे ना अपने घर से, उनको पता था कि चलता है हमको, तो फिर आपने भी वो करना चाहिए था। ये ऑप्शन लिया है ना, तो इसको पूरा निभाने का। ओके, जो लोग भी घर से इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके लिए खास तरीके से सूचना है, अगर आपने फेस टू फेस किया है, कुछ लोग गुरुकुल में है, आज पता है कितने लोग आए गुरुकुल से, गुरुकुल से 60 लोग अपने गुरुकुल में वहीं बैठे हुए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, क्या कर रहे भाई, क्यों? आप में से कई लोग गुरुकुल में, मुझे समझ नहीं आ रहा, आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, बोले सर वो YouTube पे चल ही रहा ना। अरे क्या YouTube पे चल रहा है यार, आपको लगता है सही कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछेगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, जितने आज यहाँ पे बताओ गुरुकुल से कितने लोग आए, अभी आप लोग आए तो इनको भी सोने का मन कर रहा था, आप भी रह सकते थे आराम से। ओके, आज का पहला कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों ग्रीन आईटी के बारे में, बस दो मिनट है। आप एक ग्रीन आईटी मतलब कंप्यूटर को यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे? दो और बता, देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज। कोई बताएगा ग्रीन आईटी के 5 प्रैक्टिसेस कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस? 5 प्रैक्टिसेस, पी 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 ई आर, पी फॉर पेपर, प्लान, पावर, एनर्जी, रिसाइकल, राइट? पेपर का यूज कम के ज्यादा, प्लान ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बनना चाहिए, पावर कैसी बचाना चाहिए, उड़ाना चाहिए, कॉन्जर्व करना चाहिए। मैंने पावर प्लान सही लिखा ना? ई से क्या था? एनर्जी को नहीं, ये पी से बराबर लिखा है हमने, एक पी को परचेस, वही बोल रहा मैं, कुछ तो गलत है। आप बताओ परचेस का मतलब है, कैसी चीजें परचेस करेंगे आप लोग? ध्यान तो 2 मिनट में सबका दोहरा, परचेस कैसे करेंगे? जिसमें जो पावर एफिशिएंट है, जो इको फ्रेंडली है। एनर्जी बचाएंगे, उड़ाएंगे और रिसाइकल, मतलब फेक नहीं देंगे, उसको वैसा डालेंगे जैसे गवर्नमेंट चाहती है। ऐसा क्लियर? इसके बाद में आज हमने यहां पे कुछ लोगों को बुला के ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम देखा था, यू रिमेम्बर? सुनिधि इस क्वेश्चन के लिए आई थी यहां पे। आज हमने वर्क फ्लो देखा, वर्क फ्लो में 7 स्टेप देखे, क्या करेंगे पहले, फिर क्या होगा, लॉग इन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, नहीं फिर वो पेमेंट गेटवे के पास जाएगा, फिर आपको डिलीवरी मिलेगा, फिर आप उसका ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, ऑफिस COD वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ई कॉमर्स का वर्कफ्लो डायग्राम। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आज देखा, कौन सी चीजें इंडिया में होगी तो इंडिया का ई कॉमर्स बहुत आगे जाएगा। कई लोगों ने 50 रुपीज यहां से जीते हैं, बोलते यूजर ने सावधानता रखना चाहिए, सेलर ने अपने आप को लुटाना नहीं चाहिए, टाइम पर डिलीवर करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अच्छे लॉ बनाना चाहिए, फालतू चीजों को ऑनलाइन बिकने ना दे,
इंडिया में इंटरनेट अच्छा चलना चाहिए, कुरियर सर्विसेज अच्छी होना चाहिए, लॉजिस्टिक पेमेंट गेटवे अच्छा होना चाहिए और टेक्नोलॉजी यानी कि क्लाउड अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद में अभी क्वेश्चन, अगर आपको एक वेबसाइट अगर आपकी अच्छी बनाना है तो वेबसाइट के लिए यहां पे क्वेश्चन है ई कॉमर्स के गाइडलाइन, यानी आप क्या गाइडलाइन दोगे वेबसाइट्स को? एक, आपका बिलिंग बराबर होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए, लोगों को समझ नहीं आए तो रिटर्न कर पाए, कैसा पैकिंग होता है उसके बारे में होना चाहिए, ऑर्डर कितने दिन में डिलीवरी होगा वो, और पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आज हमने देखे थे। बहुत अच्छी बात है। लास्ट वन मिनट, एक मिनट। अरे कुछ नहीं मांगा। डिजिटल पेमेंट में कल हमने लेटेस्ट देखा था और एक ट्रेडिशनल देखा था। आप बात करेंगे दोस्तों, ट्रेडिशनल में हमने एक तो डेबिट कार्ड देखा और एक क्रेडिट कार्ड देखा, एक स्मार्ट कार्ड देखा और एक नेट बैंकिंग देखा। यू रिमेंबर दिस? ये था ट्रेडिशनल। लेटेस्ट में देखते कुछ याद आ रहा है? यूपीआई देखा, दोनों एक ही बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। फिर आपने वॉलेट को देखा, IMPS। यहां पे गुजरात से एक बंदा आया था जिसने बताया था कि हम अपना फास्ट विदाउट पेइंग रजिस्टर उसको नहीं। साथ साथ में आजकल एक हम लोग बात करते हैं USSD। आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं, *99# लगाना है, ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड ना पिन पासवर्ड, थंब लगाओ पेमेंट करवा दो। और एक था इसमें, इसको तो एक क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन में भी आजकल पेमेंट होता है। और एक लास्ट पॉइंट, एक है आपका मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग यानी कि कोई बंदा था वो SBI का एक ऐप लेकर आए थे। तो ये सारी चीजें हैं हमारी लेटेस्ट और ट्रेडिशनल डिजिटल पेमेंट की। ओके गाइस, सब कुछ याद आ रहा है? हमने अभी तक आपके रिवीजन का सत्र अभी तक चालू नहीं हुआ, मेरे पास इनफ डेटा है और सबके इसमें बुक आ चुकी है। मुझे मंडे के दिन से आपकी बुक चाहिए जो ला रहे हैं आप, स्टिकी नोट चाहिए, मुझे आपके मार्कर पेन चाहिए, मैं सारी तरह से रिवीजन एक्सटेंसिवली करवा के आगे बढ़ूंगा। तो रोज हम लोग बहुत सारा रिवीजन भी लेंगे और बहुत सारा पढ़ेंगे भी। आई विल सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे।